है, हाँ सिर्फ एक हाँ MSD 15 है, वो सिर्फ मुंशी प्रेमचंद रिकॉर्ड है। हाँ, तो प्रेमचंद MSD 14 में प्रेमचंद जी का है, चार हाँ वो मिक्स है ना, लेकिन उपन्यास है। 15, हाँ हाँ 15 में सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी हैं, 15 में, MSD 15 में सिर्फ मुंशी 15 में प्रेमचंद नहीं, जी, बाकी 14 नहीं 14 में है मैम। शायद, हाँ हाँ 14 मैम में है। 14, हाँ हाँ मैम, हाँ 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 14 में है, और 15 में जो सर पढ़ा रहे हैं ना, दयानिधि सर, डॉक्टर दयानिधि सर उसमें पढ़ा रहे हैं आप सभी लोगों है, को। उसमें सब हाँ मिक्स उसमें है सभी है। हाँ जी मैम। ना, हाँ स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, फिर आज स्टार्ट करेंगे उपन्यास स्वरूप और विकास के अंतर्गत MSD 13, आपका 4 नंबर ब्लॉक, चौथी इकाई है आपका, भारतीय साहित्य में उपन्यास। कल आपने पढ़ा विश्व साहित्य में उपन्यास है ना, तो उसमें पता चला वहाँ के साहित्यकारों के बारे में और वहाँ की रचनाओं के बारे में। मैंने कहा था आप लोगों को कि उसका एक नोट्स बनाइए घर में, लिखिए उसको, ताकि आप लोगों को याद रहेगा, रोज एक बार उसको देखिए आप लोग, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि नाम थोड़े कठिन लग रहे हैं, हमारे भारत के नहीं है वो, बाहर के हैं, पूरे मैम विश्व अब का। नहीं कठिन, अब कठिन नहीं लग रहा उनका नाम, आप कल जैसे बताए ना, अब कठिन नहीं लग रहा। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें बताई। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम भारतीय साहित्य में उपन्यास, है ना। भारतीय साहित्य में उपन्यास का उदय कब हुआ वो तो मालूम है, ये तो यूरोप से आया हुआ है ना। यूरोपीय भारत में उपन्यास का जन्म यूरोपीय साहित्य अर्थात अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से 19वीं शताब्दी में हुआ, के उत्तरार्ध में हुआ। और उसको तो मैंने देखा गया, हमने जो अपने हिंदी साहित्य जगत में अन्य जो विधाएं हैं, साहित्य की अन्य जो विधाएं हैं, कविता, जो कविता है आपका, निबंध है आपका, नाटक है, ये इनका जो बहुत पहले से विकास हुआ है हमारे भारत देश में, किंतु उपन्यास का देखा गया है ये यूरोप से आया हुआ है। यूरोप 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 इसका जन्म जन्म यूरोप है, और वहां से हमारे हिंदी साहित्य जगत में आया। तो पश्चिम से आकर आगे चलकर वो भारतीयकरण हो गया। क्या? उपन्यास। इसके उद्भव का साहित्यिक कारण विभिन्न भाषाओं में गद्य शैली का विकास एवं सामाजिक कारण पूंजीपति समाज में महत्वपूर्ण सॉरी पूंजीपति समाज में मध्य वर्ग का उदय था। मैंने शुरू में भी बताया था वहां पे, उन्हें उसका प्रचार प्रसार का मुख्य कारण क्या था, पूंजीपति वर्ग, और दूसरा विकासशील देश होने के कारण इसका अधिक से अधिक वहां पे मैंने लिखा जाने लगा। और जैसे मैंने मुद्रण के बारे में बताया था ना, छपवाने का, कई सारी प्रतियां एक साथ निकल जाती थी और उसमें कम समय भी लगता था, तो वहां पे उनका उदय हुआ। पर 19वीं शताब्दी में हमारे भारत में आया, और भारत के लोगों ने, भारत के उपन्यासकारों ने उसे ग्रहण किया, हिंदी साहित्य जगत ने उसको ग्रहण किया। तो पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति समाज, पूंजीपति जो क्या कहते हैं, पूंजीपति वर्ग को, पूंजीपति पूंजीवाद को बुर्जुआ जी करके एक नाम दिया गया है, बुर्जुआ जी, तो उसे पूंजीपति वर्ग से वो ताल्लुक रखते थे, अपने पूंजीवाद को कहा गया है। इसमें आप देखना आपकी किताब में दिया है, आप सोचना क्या चीज है मैडम, आपको समझ, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बुर्जुआ जी मतलब है पूंजीवाद का प्रभाव, पूंजीवादी लोगों को ऐसे कहा गया है। तो उनके आगमन से, मैंने क्या कहने, पूंजीवाद के उदय का परिणाम हुआ कि राज राष्ट्रों का उदय, और फिर मुक्त बाजार व्यक्ति के रूप में मानव और विद्या के रूप में उपन्यास का उद्भव विकास हुआ। ठीक है, इसमें बताया है कि राज राष्ट्रों का उदय और फिर मुक्त बाजार में व्यक्ति के रूप में मानव और विद्या के रूप में उपन्यास का उदय हुआ। भारतीय उपन्यास औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति की आधुनिकता के नाम पर जो घटित हुआ था, उसका संबंध पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान है। 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध विश्व के साम्राज्यवादी ताकतों के पतन और पराधीन देशों और एशियाई संस्कृतियों की मुक्ति के संघर्ष का इतिहास है। तो इसमें फिर भारतीयता का अर्थ और संदर्भ आगे देखेंगे, भारतीयता का अर्थ और संदर्भ क्या है, भारत की पहचान कैसे होती है, हमारे भारत देश की पहचान, हमारा भारत देश अन्य देशों से अलग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत ही उसमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बहुत गुण है उनमें, किसके लिए प्रसिद्ध है,
भारत हमारा जो है वो भारत की पहचान बहुलतावादी संस्कृति के रूप में जानी जाती है। बहुत सारे संस्कृतियों को ग्रहण करने वाले लोग हैं यहाँ पे, और यही विशेषता है कि उसे समसामयिक पाश्चात्य सभ्यता के तत्वों की भी के को भी स्वीकार करने में सक्षम होती है। इसलिए वो मैंने बहुत सारी संस्कृति को लेकर ये चलती है भारतीय संस्कृति जो है, तो इसलिए वो बाहर के संस्कृति को भी आसानी से ग्रहण कर पाती है। बाहर की संस्कृति मतलब पाश्चात्य सभ्यता के तत्वों को भी, उसके तत्वों को भी स्वीकार करने में सक्षम होती है। भारत की सभी भाषाई परंपराएं मूल रूप से देशी परंपराएं हैं, है ना, हमारे देश की परंपराएं हैं। अन्य देशों ने अपनी पहचान एवं अस्मिता को बनाए रखने के लिए जातीय, राष्ट्रीय और मिथकीय स्रोतों का सिद्धांत एवं व्यवहार का उपयोग किया है, जैसे अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि। तो हमारे उन लोग क्या कि हमारे भारत के जो परंपराएं हैं उसमें रीति रिवाज है, उसमें भाषा है, रहन सहन है, जिसके लिए हमारा भाषा, हमारा भारत देश, हमारे भारत माने भारत देश जो है अन्य देश से अलग है, और माने बहुत अच्छा माना गया है भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के उनकी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, क्योंकि सबसे अलग है ये। इनमें सभी में मिलने की भावना है, सबकी संस्कृति एक है, माने यहाँ भारत की संस्कृति जो है रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सभी में समानता दिखाई देता है, चाहे वो चाहे किसी भी जाति किसी भी वर्ण के हो, पर जैसे भी हो उनमें अनेकता में एकता के लक्षण दिखाई देते हैं और अनेकता में एकता के भाव दिखाई देते हैं। चाहे कहीं भी रहें वो, कहीं भी रहें हमारे भारत देश करके उनमें अनेकता में एकता के कारण वो सारे राष्ट्र में पहचाने जाते हैं। और भारत की सभी भाषाई परंपराएं मूल रूप से देशी परंपराएं हैं और अन्य देशों से अपनी पहचान एवं अस्मिता को बनाए रखने के लिए जातीय, राष्ट्रीय और मिथकीय स्रोतों का सिद्धांत एवं व्यवहार का उपयोग किया है दूसरे लोगों ने। इसमें क्या है, भारत की स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाएगा बताइए, तो स्थान विशेष की भाषा। भारत की स्थानीय भाषाओं में अनेकता में एकता के तमाम तत्व मौजूद हैं जो उनके स्थानीय होने की पहचान है ना। अनेकता में एकता, विभिन्न प्रकार के माने भाषा तो बोलते हैं, विभिन्न प्रांत में रहते हैं, विभिन्न स्थान में रहते हैं, भाषा अलग अलग, जैसे अपने उड़ीसा प्रांत का उड़िया भाषा है, पंजाब प्रांत का वहां का जो है पंजाबी भाषा है, किंतु सभी में माने अन्य भाषा को बोलने के बाद भी, अन्य हाँ धर्म को ग्रहण करने के बाद भी उन सभी में एकता के भाव दिखाई देते हैं। इसलिए भारत में अनेकता में एकता के भाव दिखाई देते हैं, इसलिए भारत देश सबसे अधिक प्रसिद्धि पाई है इसलिए, और भारत जो मैंने इसीलिए सभी इसको अच्छा मानते हैं और इसका महत्वपूर्ण स्थान है राष्ट्रों अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा। तो भारत में भारतीयता के गुण भी हैं, है ना। हमारे आंचलिक एवं स्थानीय उपन्यासों में भारतीयता का स्वरूप दिखाई देता है। आंचलिक एवं स्थानीय उपन्यास में किसी अंचल या स्थान का विशेषकर वहां के दृश्य, बोली, बानी, सामाजिक संरचना पर ध्यान दिया जाता है। आप लोगों को मैंने उस दिन भी बताया था, आप लोगों को मैंने दूसरे दिन भी, दूसरे क्लास में भी शायद बताया था, जैसे वहां की भाषा स्थानीय मतलब जहाँ का, जिस स्थान का उपन्यास लिखा जाएगा, जिस स्थान का उपन्यास लिखा जाएगा वहां की भाषा, वहां की बोली का उसमें निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे अन्य भाषाएं हैं हमारे हमारे भारतीय भाषाओं में अन्य भाषाएं भी हैं, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है। वो साहित्यकार कैसे करते हैं, अपनी भाषा, अपने जिस स्थान का वो लिखते हैं, जिस स्थान को अपना विषय वस्तु बनाते हैं, उसी उस स्थान के गांव, उसी स्थान के माने उस स्थान के जो बातें हैं उन सभी का चित्रण वो अपने उपन्यासों में करते हैं। जैसे वहां के दृश्य, वहां की बोली क्या है, वहां की सामाजिक संरचना क्या है, इस पर बल दिया जाता है। वो उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थितियों के रूप में प्रयोग होता है और उनके चरित्रों, उनके विचार पद्धति, उनकी अनुभूतियों और आपसी व्यवहार के चित्रण को भी प्रभावित किया जाता है, उसमें बताया जाता है। जो चरित्र होते हैं वो चरित्र किस प्रकार के माने वहाँ की बोली को वो अपने माने अपने क्या कहना चाहिए पात्रों के माध्यम से हमें बताएगा, लेकिन उसका जो जैसे कन्नड़, तमिल मैंने उस दिन भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। भारतीय भाषाएं जो है कन्नड़, तमिल इत्यादि में जो उपन्यास लिखा है MSD 14 में, पर हमको क्या लगता है कि हमने उसको देखा बाहर से, भारतीय उपन्यास कन्नड़, तमिल इत्यादि कहने से डर लगा, है ना, डर लगा था, किंतु जब मैंने बताया कि उसको मैंने आपने भी जाना है उस चीज को, जब उसका अनुवादित रूप हमें पढ़ना है, उसको अनुवाद करके उन्होंने लिखा है, हिंदी में अनुवाद है, तब कितना सरल लगा, कितना सहज लगा। और वहां के स्थान, वहां के जो जैसे दक्षिण भारत के जो उपन्यास लिखा गया, वहां के समुद्र, वहां के पेड़ पौधे और वहां के जो जनजीवन को किस प्रकार से जनजीवन, वहां की भाषा क्या है, उन सभी का चित्रण एक साहित्यकार करेगा, दक्षिण भारत का साहित्यकार, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी हो, किंतु वहां के जनजीवन को अपनी भाषा में, अपने उपन्यास में स्थान देगा। और पूर्ण रूपेण जब उसका अनुवाद किया जाएगा तो
उसमें हमको समझ में आता है, अनुवाद करने से समझ में आता है, भले ही वो अन्य भाषा में लिखा हुआ है किंतु वो अनुवादित होने के कारण माने अनुवाद किया हुआ होने के कारण वो हमको भी आसानी से समझ में आया, तेलुगु तमिल कहने से समझ में नहीं आया। तो स्थानीय भाषा, स्थानीय जगह का, जो वहां के स्थान का। हाँ हेलो, वहां के बोलचाल, वहां के रहन सहन का उसमें प्रभाव पड़ता है। ये है स्थानीय स्थानीयता का प्रभाव। उपन्यास में भारतीयता कैसे पता चलता है उस भारत में, मैंने हमारे आंचलिक और स्थानीय उपन्यासों में भारतीयों का स्वरूप कैसे दिखाई देता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे कोई भी कास्ट को मानने वाले, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, सभी में एकता के स्वर दिखाई देते हैं। एकता अनेकता में एकता दिखाई देता है। और जातीय उपन्यास बनाम भारतीय उपन्यास, कहा एक जगह पे भारतीय उपन्यास का स्वरूप कितना स्वदेशी और कितना विदेशी है, एक भारतीय भाषा के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हिंदी में लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु है ना, पहला उपन्यास, आप इसको नोट करेंगे जब आंसर लिखेंगे, आपकी किताब में दिया है, भारत का पहला उपन्यास माना है श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु पर आचार्य शुक्ल ने टिप्पणी की थी, वह हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास है, वह हिंदी में अंग्रेजी ढंग का, अंग्रेजी टाइप का पहला उपन्यास है। लोगों को भ्रम हो गया था कि हिंदी में सामाजिक उपन्यास लिखने का चलन अंग्रेजी के अनुकरण कर ही हुआ है, लोगों को भ्रम हुआ था कि उन्होंने अनुकरण किया है, उनकी नकल की है, पर किंतु वास्तविकता यह थी कि भारतीय भाषाओं में ठेठ भारतीय विषय वस्तु पर उपन्यास लिखने की प्रकृति का आरंभ पहले से ही थी। और डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने एक लेख अंग्रेजी ढंग का नॉवेल और भारतीय उपन्यास में बंकिम चंद्र के तीन उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और मृणालिनी, इसमें पूरा पता चलता है कि इसमें हमारे भारतीय उपन्यासों ने उसमें अंग्रेजी ढंग का कोई नॉवेल उसमें नहीं है, इसमें भारतीय संस्कृति की बातें कही गई हैं। तो यह आएगा जातीय उपन्यास और आपका भारतीय उपन्यास। फिर आएंगे, आगे चलेंगे, इसमें है राष्ट्रीय रूपक के रूप में, रूपक तुलना करना, उसे रूप देना उसको, ये कहलाता है रूपक। तो उपन्यास में यदि राष्ट्र का रूप निर्मित किया है तो राष्ट्रीय कल्पना ने उपन्यास के रूप निर्माण में भी नियामक भूमिकाएं अदा की है। 19वीं शताब्दी में अधिकांश भारतीय उपन्यास राजनीतिक हैं। 19वीं शताब्दी के अधिकांश उपन्यास जो है वो राजनीति से परिपूर्ण है, राजनीतिक नेता इत्यादि जो है, हाँ नेताओं से संबंधित उसमें कई सारी बातें राजनीतिक उपन्यास के आधार पर आएंगी। कथानक चाहे ऐतिहासिक हो या सामाजिक अथवा नितांत निजी प्रेम की कहानी, अंततः उससे कोई ना कोई राजनीतिक अर्थ ध्वनित होता था। कैसे भी करके उसमें राजनीति के भाव निश्चित रूप से दिखाई दिए हैं उस समय, जबकि राष्ट्रीय रूपक के रूप में भारतीय उपन्यास को कहा गया है। तो डॉक्टर नामवर सिंह राष्ट्रीय रूपक की इस परिकल्पना को बंकिम चंद्र के उपन्यासों पर लागू कर दिखाया है। इसमें हिंदुओं का बाहुबल, इनके द्वारा, बंकिम चंद्र द्वारा कहा गया है कि हिंदुओं का बाहुबल ही मेरा प्रतिपाद्य है, अंग्रेजी साम्राज्य में हिंदुओं का बाहुबल लुप्त हो गया। फिर उसके बाद आया आगे चल करके भारतीय समाज का यथार्थ बताया गया, भारतीय समाज में जो सच्चाई है, भारतीय समाज के ग्रामों में, भारतीय समाज के शहरों में जो कुछ भी यथार्थता है, मैंने यथार्थता के बारे में हमेशा कहा है, इनमें हमेशा यथार्थ कहने से आप गोदान को ले लेना, यथार्थ और आदर्शवादी कहने से गोदान उपन्यास को ले लेंगे उसको, उसमें पूरे यथार्थता का वर्णन किया है। और इसमें प्रेमचंद जी ने भी दिखा है ना, जो कुछ भी लिखा है अपने उपन्यासों में उसमें यथार्थता का वर्णन है, जो ऐसा लगता है कि पहले उस समय लिखा गया था, उनके समय में लिखा गया था वो उपन्यास, किंतु आज भी देखने से लगता है सही में ये अभी भी विद्यमान है, ऐसा लगता है जैसे कि दहेज। हाँ सेवा सदन में भी यही यथार्थ और आदर्श है मैम। हाँ हाँ सेवा सदन में भी है, तो कैसा लगता है देखिए, अब क्या है देखो, इसमें कहते हैं आज के युग में कहा जाता है दहेज मत लेना, दहेज लेना गुनाह है, दहेज देना गुनाह है, किंतु क्या हो रहा है सही में, वो अभी भी है, कुछ ना कुछ अंश उसका है। अगर जैसे लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उसमें दहेज नहीं दिया जाता है ना, दहेज नहीं दिया जाता, कहते हैं ना हम दहेज विरोधी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल लड़की चाहिए, हम उसको लेके जाएंगे, हमको दहेज की आवश्यकता नहीं है, किंतु जो वो लड़की जब अपने परिवार में आती है और वहां पर क्या है, स्त्री द्वारा सताई जाती है ना उसको, माने पुरुष वर्ग भी उसे तंग करता है, किंतु देखा गया है कि कुछ कुछ काम कर रही है, जैसे कुछ खाना इत्यादि बना रही है, उसमें कुछ कुछ मीन मैक्स कहीं से निकल गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो उस पर मैंने उस पर गुस्सा किया जाता है, उस पर मैंने कहा नहीं जाता, उसे ये कहकर मैंने उनका मन क्या लगता है, ये दहेज इसने नहीं लाया है ना, तो उनका मन क्या लगता है कि ये दहेज लेकर नहीं आई है, परंतु वो बात वो नहीं कहते, उसको प्रताड़ित करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसका मूल
पूरा देखा जाता है, पूरा निष्कर्ष देखा जाता है, उसका सारांश देखा जाता है, तो उसमें भी दहेज प्रथा है, अभी भी विद्यमान है। भले उसको कह रहे हैं लोग दहेज लेना बुरी बात है, दहेज देना बुरी बात है, किंतु अभी भी हमारे भारतीय संस्कृति में वो चीज विद्यमान है ना। तो उसमें जैसे सेवा सदन में आपने बताया सुमन के बारे में ना, सुमन भी बड़े घर की लड़की थी किंतु उसका विवाह नहीं हो पाया था, और ऐसे वृद्ध से उसका विवाह कर दिया गया जो कि उसे मैंने एज में काफी बड़ा था, है ना। तो इनका तालमेल मतलब बिठा पाना बहुत कठिन है, एक कम एज की लड़की और एक अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है उसे अगर विवाह कर दिया जाए तो निश्चित रूप से उनमें वो जो सामंजस्य है वो ठीक से बैठा नहीं पाते, वो फिर मनमुटाव होता है ना। कैसे इसको देखो, मैंने ये कैसी थी भोली बाई की जो गाना सुनती थी ना, भोली बाई ये कोठी वाली थी, तो वो मुजरा इत्यादि जो करती थी, वो गाना वगैरह जो गाती थी उसको अच्छा लगता था वो, है ना। तो वो सुनने थोड़ा सा कहीं कहीं चली गई तो उसका पति उसको घर से निकाल दिया। रात देर रात तक वहां दरवाजे पर पड़ी रही, पर उसने भी दरवाजा उसको नहीं खोला। अंत में वो कहां जाती है ना, अंत में ऐसे जगह पे, मैंने बाद में भोली बाई के घर में गई है, तो इस घर में जाने के नाम से उसको वेश्या शब्द से उसको मैंने संबोधित किया जाता है। मैंने परिस्थिति, नारी की परिस्थिति कैसे हो जाती है, पद पद पर परिस्थितियां उसको कहाँ कहाँ ले जाती है, इसका वर्णन मैंने किया है इसमें प्रेमचंद जी ने। दहेज प्रथा है आपका, अनमेल विवाह है, और मैंने इसको मैंने लोग फिर क्या कहते हैं इसको, वेश्या मैंने सोचते हैं, परंतु वो ऐसी नहीं थी, किंतु उस परिवेश में रहने के कारण, उस भोलीबाई के पास रहने के कारण उसको इस संज्ञा से विभूषित किया जाता है उसको, और लांछन लगाया जाता है। तो ये सच्चाई जो है आज भी, मैंने आज तो ऐसा कुछ वो नहीं है, फिर भी मतलब कम मात्रा में ऐसा कुछ निश्चित रूप से दिखाई देता है, जिसको कि जो कि यथार्थ है। उस समय जब प्रेमचंद जी ने लिखा तब की स्थिति वैसी थी, किंतु आज आज की स्थिति में भी वैसा देखा जा रहा है। अनमेल विवाह की समस्या जैसे है ना, आजकल लड़कियां भी पढ़ी लिखी हो गई हैं। पहले क्या होता था, गरीब घर की लड़की कोई रहती थी तो उसके माता पिता उसको दहेज के कारण अच्छी जगह पर विवाह कर नहीं पाते थे, किंतु आज है, आज कुछ मैंने आजकल की लड़कियां उसमें मैंने मैंने अपना आक्रोश अपना मैंने कह सकती हैं, आवाज उठा सकती है, नहीं मुझे शादी, मैं उसे शादी नहीं करूंगी, चाहे मैं ऐसी रहूंगी। और इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, मतलब धीरे धीरे विकास होता चला गया, किंतु कुछ कुछ मैंने जो पहले उस समय जिस समय प्रेमचंद जी ने लिखा था तब ऐसा था, जो कि अभी भी थोड़ा सा मैंने वो यथार्थता को लिए हुए, सच्चाई को लिए हुए उस समय के उपन्यास को पढ़ने से हमें पता चलता है, वो सब सच्चाई उसमें विद्यमान थी। तो यथार्थतावादी उपन्यासों में प्रेमचंद कथा सागर का पूर्वाभास मिलता है। फकीर मोहन सेनापति उड़िया साहित्यकार थे, 6 मान 8 गुंट उनकी विशेष मैंने उल्लेखनीय है इनके लिए, और बहुत सारे ऐसे उपन्यास ऐसे लिखा गया जिसमें वास्तविकता को, जिसमें सच्चाई को बताया गया है। भारतीय उपन्यास अस्मिता की तलाश है ना, अस्मिता की तलाश के लिए भारतीय उपन्यास 19वीं शताब्दी के अंत तक एक निजी स्वतंत्र स्वरूप विकसित कर चुका था, और अपनी अस्मिता कायम हो गई थी, उसकी अपनी अस्मिता कायम हो गई थी, धीरे धीरे उसमें अस्मिता कायम हो गई थी। और उसके बाद इस उपन्यास का मूल, हेलो, हाँ मैम, हाँ, इस परंपरा से जुड़ा था। जैसे मराठी मराठी में उपन्यास के लिए कादंबरी का संयोग दिया जाता है, और जो इस विधा के संस्कृत मूल की ओर संकेत करता है। भारतीय उपन्यास अपनी अस्मिता की तलाश में पहुंच गई, आगे आगे बढ़ करके उसका भी विकास होने लगा। भारतीय उपन्यास में फिर आया है स्थानीयता, स्थानीयता को फिर बताया है, स्थान विशेष के बारे में फिर बताया है, जिस स्थान में जो उपन्यास लिखा जाता है वहां के स्थान की स्थान का वर्णन उसमें किया जाता है। उपन्यासकारों की लगभग 3 पीढ़ियों ने स्थानीय इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास के बीच आंचलिक संस्कृति और अखिल भारतीय सभ्यता के बीच का संवाद को जारी रखा, और राष्ट्र निर्माण के प्रश्नों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में बराबर सामने लाते रहे। इस प्रकार से प्रेमचंद जी का उपन्यास है गोदान, इसमें और साहित्यकार हैं जैसे गोपीनाथ मोहंती का परजा, माने गोपीनाथ मोहंती ये उड़िया के साहित्यकार हैं, उड़ीसा के साहित्यकार हैं, इनका लिखा हुआ परजा है ना। तो ऐसे बहुत सारे उपन्यास समकालीन स्थानीय जो स्थान विशेष का उसमें वर्णन किया गया, जहाँ का लिखा गया वहाँ के स्थान का वर्णन किया गया है। अब उसमें जातीय चेतना, भारतीय उपन्यास में जातीय चेतना दिखाया गया है। भारतीय साहित्य की लंबी औपनिवेशिक गुलामी के बाद राजनीतिक रूप में स्वाधीन होने के बावजूद भारतीय मानस में विदेशी संस्कृति के प्रति एक पूजा भाव बना रहता था, जिस उच्च वर्ग
प्राप्त तथा कथित उच्च वर्ग के सदने सत्ता की बागडोर संभाली, उनमें बड़ी संख्या जड़ों से उच्छिन्न लोगों की थी। भारतीय उपन्यास में जातीय चेतना स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जितनी मुखर हुई उतनी स्वाधीनता के तत्काल बाद कुछ वर्षों तक नहीं दिखाई पड़ी। पहले कुछ वर्षों तक दिखाई नहीं दिया और उसके बाद जातीय चेतना का स्वरूप सबसे प्रखर तब होता है जब किसी कमजोर संस्कृति को किसी बरजोर संस्कृति से खतरा उत्पन्न होता है। यह वर्चस्व राजनीतिक आर्थिक जैसे कारण भी हो सकते हैं जिसमें टकराहट होती है। और साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखने वाले बंगला उपन्यासकारों में रविन्द्रनाथ, शरद चंद्र, ताराचंद, बंधोपाध्याय और कुछ बाद सत्यनाथ भादुड़ी के उपन्यासों की चर्चा भी इसमें की जाती है जिसमें भारतीय उपन्यास में जातीयता की चेतना पता चलती है उसमें पता चलता है। और आगे बढ़ करके भारतीय उपन्यास में राजनीतिक संदर्भ, फिर क्या राजनीतिक संदर्भ अर्थात राजनीति से लिया हुआ उपन्यास। राजनीति भारतीय साहित्य में 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी घटना देश के विभाजन की त्रासदी थी। अब देश का विभाजन हुआ उसमें भारत और इसमें दंगा फसाद इत्यादि जो विभिन्न कहानियां मोहन राकेश इत्यादि का आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आपका है एक कहानी यशपाल जी का है शायद कहानी, हाँ झूठा सच है। और हाँ ये उपन्यास है, इसमें भी उस देश विभाजन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से दंगे फसाद होते थे और किस प्रकार से लोगों को घर से बेघर होना पड़ता था। तो भारत पाकिस्तान विभाजन का भी इसमें अच्छा चित्र इसमें खींचा गया है, उसमें बताया गया है कि विभाजन की त्रासदी उसमें भी है। हाँ किस्सा बदल गया उसमें भी है। तो उसको मैंने आप मैंने देखिए मैं याद करने के लिए ना आप लोग ये जो मैंने बताया ना उसी हिसाब से आप क्या करना देखिए मैंने राष्ट्रीय सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं उसको लिखिए एक जगह पे, राजनीतिक उपन्यास कौन कौन से हैं मैं एक जगह लिख के रखी हूँ, एक जगह मैं लिख के रखी हूँ आपको। मैं समाप्त होने पर जब क्लास समाप्त हो जाएगा ना जब आप लोगों ने कहा मैं हो सके तो आपको व्हाट्सएप में छोड़ दूंगी डाल दूंगी उसमें, तो उसमें मैंने लिखा है मैंने राजनीतिक उपन्यास कितने सारे हैं और उसके बाद सामाजिक कितने हैं, ऐतिहासिक कितने हैं, मनोवैज्ञानिक कितने हैं। तो इनको जोड़ते 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 क्या होगा आपका प्रश्न का उत्तर जो है बड़ा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखेंगे ना जैसे सामाजिक उपन्यास के ऊपर आए तो उसमें लिखना है बहुत सारे ऐसे लिखते 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 क्या होगा आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। और बहुत बड़ा आपको लिखना पड़ता है चाहे वो 12 नंबर का हो चाहे 15 नंबर का हो, तो हमको प्रभाव डालना है, हम जानते हैं उस चीज को तो जानते हैं जब तो हम उसको उत्तर पुस्तिका में लिखना भी आवश्यक है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के हैं जैसे ऐतिहासिक हैं आपके कहना जी ऐतिहासिक उपन्यास आपने पढ़ा है, ऐतिहासिक उपन्यास आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में बाणभट्ट की आत्मकथा, हाँ ये पढ़ा है हाँ आत्मकथा। तो ऐसी चीजें जो है आप उसमें जैसे आंचलिक उपन्यास पढ़ा है अपने महिला आंचल, तो ये सभी अलग अलग से आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा कापी लेकर के उसमें लिखिए लिखिए उसको पुस्तक देख करके उसको लिखिए। कल मैंने बताया था साहित्यकार और साहित्य मैंने उनका कृतित्व के बारे में, वैसे ही एक मैंने कॉपी ले लीजिए उसमें लिखते जाइए आप सामाजिक उपन्यास कौन कौन से हैं, राजनीतिक उपन्यास कौन कौन से हैं और भाव क्या है, है ना। सामाजिक उपन्यास का नाम लिख दिया पर उसमें भाव क्या है उसको भी लिखना है, साहित्यकार का नाम उसको भी याद कीजिए, राजनीतिक उपन्यास राजनीति के बारे में, ऐतिहासिक उपन्यास और क्या कहना चाहिए आपका सांस्कृतिक संस्कृति को लेकर के उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है ना, फ्रायड का मनोविज्ञान कहते हैं ना मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के आधार पर बाल सुलभ इनके प्रवृत्तियों प्रकृतियों पर भी लिखा है लेखक ने। तो ऐसे अलग अलग कॉलम बना लीजिए तो आपको क्वेश्चन का आंसर बनाने में बहुत सहूलियत होगा, उसको आप जोड़ सकेंगे। सामाजिक उपन्यास क्या है, समाज के बारे में लिखा गया उपन्यास, समाज में हो रहे रीति रिवाज इत्यादि जो दिखाई देता है हमको, तो उन सभी का आप अगर चार्ट बना के रखेंगे उसको लिखेंगे तो आपके लोग आप लोगों के लिए आगे के लिए बहुत ही सहूलियत होगा। तो ऐसे चार्ट बना करके याद करेंगे। फिर है आगे है नवजागरण और भारतीय उपन्यास, है ना। नवजागरण क्या है, 20वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण की शुरुआत है, इसको क्या कहते हैं नवजागरण को, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है ना, ये नवजागरण उपन्यास है जिसने धीरे धीरे आंदोलन का रूप धारण कर लिया। भारतीय नवजागरण का दृष्टिपात कर नवजागरण आधुनिक युग के सूत्रपात का शंखनाद है, एक लाइन में क्लियर हो गया है, नवजागरण आधुनिक युग के सूत्रपात का शंखनाद है। तो स्टार्ट हुआ है नवजागरण में जो स्टार्ट हुआ है वो मध्ययुगीन चेतना से मुक्ति और आधुनिक युग की चेतना से जुड़ने का प्रयास है। क्या है, मध्ययुगीन चेतना से मुक्त होकर के माने बंदिशों से मुक्त होकर के आधुनिक युग की चेतना से जुड़ने का प्रयास है। यह मध्यकालीन सामंतवाद विरोधी दृष्टिकोण है जिसका नियामक पूंजीवाद है ना, पूंजीवाद होने के कारण, पूंजीपति होने के कारण, पूंजी रहने के कारण, वहां पर जहां पूंजी होगा निश्चित रूप से वहां का साहित्य जो है समृद्धि पाएगा। मेन कारण क्या है, पूंजी, उनके पास पूंजी होगा तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार से नवीन युग संगति विवेकपूर्ण समयानुकूल प्रासंगिक सुधारों पर बल दिया जाता है, किसमें, भारतीय नवजागरण काल में।
इसमें इस साहित्यकार में इस परिस्थिति में इस समय में भारत का नवजागरण तत्कालीन परिस्थितियों की उपज था, राजा राम मोहन राय को इसका जनक माना जाता है। इसको भी नोट करेंगे आप लोग, लिखेंगे पुस्तक में दिया है, आप अंडरलाइन कर लेना इसको। राजा राम मोहन राय को इसका जनक माना जाता है। और नवजागरण का उदय अंग्रेजी के शासनकाल में हुआ, लेकिन इसकी वजह से नहीं हुआ। भारत के मनीषी राष्ट्रीय नेता और बुद्धिजीवी इनके प्रणेता बने, उन्होंने भारत को एक नई राह दिखाई। ये नहीं है कि हमने उसका ट्रांसलेट किया है ना, अंग्रेजों का ट्रांसलेट किया है। इनके यहाँ के साहित्यकार, हमारे भारतीय साहित्यकार, उनके वो बुद्धिजीवी जो साहित्यकार हैं, बुद्धिजीवी उनके प्रणेता बने, उन्होंने भारत को एक नई राह बनाई। इस नवजागरण में ने यदि भारतीय समाज को सामंतिक जकड़न से मुक्त कराने की राह दिखाई, तो दूसरी तरफ इसने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास भी किया। कहते हैं ना कि हमने भी बताया, पहले से बताया, फर्स्ट क्लास में भी शायद मैंने जब जब उपन्यास के बारे में हमने चर्चा की, तो उसमें ये बताया था यूरोप से आया है ना, वो यूरोप से आया है, और कहानी इत्यादि जो है वो यहाँ की उपज है, पर वो यूरोप से आया है करके बताया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो भारत में आया। कई लोगों ने कहते हैं ना उसका अनुकरण किया है ना, भारत में आया, हम उसकी नकल नहीं कर रहे हैं। हम हमारे हमारे इस भारत देश में भी ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी साहित्यकार हैं जिन्हें अपने बुद्धि के आधार पर नई दिशाएं, नई राह बताया उसका वो, और भारत को एक नई दिशा दिखाई, भारत के लिए भारत को एक नई राह बताई। इस नवजागरण ने यदि भारतीय समाज को सामंतिक जकड़ने की मुक्त करने की राह दिखाई, तो दूसरी ओर इसमें लोगों में राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ। राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, स्त्रियों का इसमें बताया गया है, स्त्रियों का पिछड़ापन और जाति व्यवस्था भारतीय नवजागरण के दो प्रमुख मुद्दे रहे हैं। इन लोगों का मुद्दा दो था, दो मुद्दा था, एक था स्त्रियों का पिछड़ापन और भारतीय और जाति व्यवस्था है ना। जाति, इसमें जाति के बारे में बताया गया, जाति के बारे में भी दलित वर्ग के, मैंने जो आप लोगों ने जो उपन्यास कहानी इत्यादि अभी आपने पढ़ा है, इसमें क्या एक उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में दलित वर्ग पर, कुछ उपन्यास पढ़ा था आप लोगों ने, याद कीजिएगा, बताएंगे मुझे। तो उसमें भी कैसे बताया गया, एक दलित, मैंने हाँ ठाकुर का कुआं कहानी है, ठाकुर का कुआं कहानी है, धरती बहुत अच्छा, धन्ना उसमें भी अपना, धरती धरती धन्ना धन्ना अपना, हाँ बस उसमें दिया गया है कि किस प्रकार से उसका जो नायक था वो कैसे, मतलब निम्न वर्ग का होने के बावजूद भी बाहर से जा करके, बाहर काम करके पैसे इत्यादि लेकर आता है, और वो कहीं माने घर बनाना चाहता है ना, उसी गांव में जहाँ पे वो रहता है वहां घर बनाना चाहता है। फिर क्या होता है, घर बनाना चाहता है, किंतु पूंजीपति वर्ग जो अमीर वर्ग जो है वो क्या करते हैं कि हम जो पूंजीपति वर्ग है, हम जो अमीर वर्ग से हम ताल्लुकात रखते हैं, संपर्क रखते हैं, हमारे पास हमारे ही गांव में हमारे से छोटा निम्न वर्गीय व्यक्ति आकर के हमसे बड़ा क्यों बन जाएगा है ना। हम जैसा घर बना रहे हैं हमारे जैसा घर कोई नहीं बना सकता, हमारी जितनी सुविधाएं उतना सुविधाएं कोई नहीं कर सकता। और इसमें ये बताया है और सही बात यह है, रंग भेद जाति भेद वही व्यक्ति करता है जो मूर्ख व्यक्ति है, वो ऐसे करता है। तो उसमें ऐसे मैंने मूर्खता का काम करना नहीं चाहिए, हमारे हम भारत के हम जितने भी मैंने कहना चाहिए मनुष्य है, जितने भी इंसान है, सभी के शरीर में रक्त की लालिमा है, सभी समान है। किंतु पता नहीं क्यों ये मन भेदभाव क्यों करता है, ये दलित है, ये निम्न वर्ग का है, व्यक्ति अपने गुणों से, अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपने कामों से महान बनता है, न कि वो जाति वंश या कुल से महान बनता है। किंतु उस समय जब ये उपन्यास दलित वर्ग का जो बताया गया है, उस समय जैसा उपन्यास लिखा गया था, उस समय की स्थिति ऐसी थी कि कोई निम्न वर्गीय व्यक्ति जो है वो कोई ऊंचा सा घर बना नहीं सकता, अच्छे से रह नहीं सकता, और खाली अमीर वर्ग, चाहे अमीर वर्ग ही अच्छे से रहेगा, और उन पर वो मैंने उनका शोषण करते थे वो, जैसे कि प्रेमचंद जी ने लिखा है ना ठाकुर का कुआं, आपने बताया मुझे, मैं बहुत अच्छा उदाहरण बताया आपने, और आपको याद है ये चीज, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत बहुत अधिक खुशी हुई कि दलित वर्ग कहने से क्या समझ में आया, आपको आप लोगों को पूरा समझ में आया है। तो ठाकुर का कुआं भी वैसे ही है कि एक कहानी है जिसमें कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो पात्र है, जो नायिका है, उसकी जो उसके पति बीमार है ना, दवाई इत्यादि खाते रहते हैं, औषधि खाते रहते हैं, तो उनको मैंने औषधि खाने के लिए पानी चाहिए है ना, पानी पीने के लिए, तो वो देखते हैं कि उनको गंदा पानी ही पीना है ना, गंदा पानी कहीं से डबरे इत्यादि का पानी की कहीं का गंदा पानी उनको पीना है। पर वो देखा गया है इसमें कैसे, मतलब आजकल हम जब इसको पढ़ते हैं इस कहानी इत्यादि को, तो कैसा लग जाता है एकदम से, दिल में कैसा एक आह उत्पन्न होती है कि हाय ऐसा क्यों किया जा रहा था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते हैं लोग है ना, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो कहती रुको मैं ठाकुर के कुएं से पानी लेकर आती हूँ, और ठाकुर के कुएं के पास पानी, वो कहता है वहां नहीं मिलेगा तुझे पानी, वो तो ठाकुर का कुआं है, पर फिर भी वो चाहती है कि मेरे पति को अगर स्वच्छ जल स्वच्छ पानी मिल जाए तो उसको पिए, तो मैंने उनको पीने क्या करना चाहिए, दवाई इत्यादि
खाना है, तो उनको स्वच्छ जल से ही दवाई खाएं। लेकिन जब वो लेने जाती है पानी, तब देखा गया ना उस समय कि दो स्त्रियां आके बातें कर रही हैं, वो कुएं के मुड़ेर पर खड़ी हुई हैं, अपने अपने घर की बातें बता रही हैं वो। और उसके बाद वो लोग जब जैसे ही जाते हैं, तो कुआं जैसे ही बाल्टी जो कुआं में डालती है, जैसे ही आवाज आती है, तो पीछे से क्या होता है, ठाकुर जो है वो दरवाजा खोल देता है उसे। तो फिर वो डर के मारे वापस आ जाती है। वापस आने पर वो क्या देखती है कि उसका पति फिर वही गंदा पानी पी रहा है। तो इस प्रकार से लोगों पर भेदभाव किया जाता था, लोगों को कहा जाता था तो निम्न वर्ग का है, तेरा मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तेरा वहां जाना वर्जित है, केवल उच्च वर्ग के लिए उठ जाएंगे। लेकिन कैसा, मतलब कि दिल में कैसा खराब लगता है, दिल में कितनी, मतलब दिल कितना दुखी हो जाता है, मन इतना क्षोभ से उठता है कि क्यों ऐसा किया जाता है ना, क्यों ऐसा ऐसा भेदभाव किसी से करना नहीं चाहिए। किंतु जिस समय ये साहित्यकार अपने साहित्य की रचना कर रहे थे, तो उस समय इस प्रकार के जो दलित विमर्श, दलित कहानी वो लोग लिखते थे, और हमको उससे पता चल रहा है कि ऐसा करते थे। लेकिन आज का युग बदल चुका है, आजकल के युग में ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा करता है तो उसको एक अपराधी की भांति उसको माने दंड दिया जाता है, जो कि सही है, जो कि न्याय है। तो पहले था ऐसा था, किंतु आजकल के जमाने में ऐसा कुछ नहीं है, सभी में समानता के गुण दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा अगर कोई करेगा तो उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाना आवश्यक है। तो ऐसे तो लड़कियों का माने स्त्रियों का पिछड़ापन, जाति व्यवस्था है ना, स्त्रियों का पिछड़ापन, उन्हें शिक्षा माने पढ़ने नहीं जाने देना है ना, किसी कहीं बाहर जाने नहीं देना, जो कुछ भी उनके हाथ में था सब पुरुष वर्ग ही करेंगे, लड़के ही सब कुछ है, लड़के सब करेंगे, लड़कियां पढ़ नहीं सकती, तो ये पिछड़ापन का पिछड़ापन उसमें कहलाएगा, जब लड़कियां कुछ पढ़ेंगी नहीं और उन पर तो ये पिछड़ा कहलाएगा। ये दो मुद्दे उस समय का था। इसके अलावा धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और सड़ी गली मान्यताओं के बारे में भी सवाल उठाए गए। तो इसमें धार्मिक रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वैसा होता है, ये करने से वो होता है। और देखा जा रहा है आजकल के युग में कि जितने भी मतलब जो अनपढ़ हैं वो तो अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं, माने सभी नहीं ले रहे हैं, कई कई लोग हैं जो लेते हैं अंधविश्वास, माने ये करने से ऐसा होगा, वो करने से हमारा जो हमारी जो क्षति है उसमें पूर्ण होगा, हम उसके पास जाएंगे, हम बैगा के पास जाएंगे, हम उसके पास ज्योतिष के पास जाएंगे, तो हमारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। किंतु आजकल के जिंदगी में, आजकल के आधुनिक जीवन प्रणाली में ये देखा जा रहा है कि कम पढ़े लिखे से अधिक पढ़े लिखे लोग उनके चुंगल में ज्यादा फंस रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है जो पढ़े लिखे हैं है ना, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग उनका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको भी ऐसा लगता है, इतना पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी उनको लगता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तबियत ठीक नहीं रहती, और वो डॉक्टर पास जाने से थोड़ा सा माने कतराएंगे और कहेंगे कि नहीं उनकी दवाई से मेरा शरीर माने मेरे मेरे स्वास्थ्य में माने सुधार नहीं आ रहा है, मैं जाऊंगा, कोई कह रहा था वहां एक बैगा है, वहां एक ज्योतिष है, वहां उसके पास जाऊंगा, वो कुछ देता है, झाड़फूंक कर देता है और तबियत ठीक हो जाती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है आजकल आपके आसपास भी सुनने में आता है, देखते भी हैं आप लोग, भले ही आप उसका अनुसरण ना करें लेकिन सुनने में जरूर आता है कि वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां गया है। आसपास में भी हम भी देखते हैं, आजू बाजू में भी कितने बड़े बड़े लोग, कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर इत्यादि भी ऐसे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि इन चीजों पर विश्वास करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये इससे मेरा ये स्वास्थ्य ठीक होगा, और वहां वो जाते हैं। तो ऐसे जो अंधविश्वास है, ऐसे जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, उस पर भी सवाल उठाए गए इस समय में। भारतीय समाजों में स्त्री की दशा अत्यंत दयनीय थी, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, और फिर क्या करने से माने छोटी उम्र में शादी करने से क्या होगा, इसको बाल्य विवाह कहा जाएगा। तो छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, और ऐसे में स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी, छोटी उम्र लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। बंगाल, राजस्थान जैसे कुछ प्रांतों में पति के मरने पर पत्नी को उसके शव के साथ जिंदा जला देने का रिवाज प्रचलित था। अर्थात जो उसका पति अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी को, अर्थात हाँ जो मर जाता है उसकी पत्नी को भी उसमें सती कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। ऐसा रिवाज था हिंदू समाज के सवर्ण में। विधवाओं पर तरह तरह के सामाजिक बंधन थे, उनको नारकीय जीवन जीना पड़ता था। मैंने विधवा, एक कोई विधवा हो गई है तो कोई विधवा है तो वो मैंने सेकंड मैरिज अर्थात दूसरा विवाह कर नहीं सकती, उस पर लांछन लगाएंगे, वो विधवा है उसने विवाह क्यों किया। किंतु जो पुरुष वर्ग है उसकी पत्नी अगर मर गई है तो उसको विवाह करने का पूरा अधिकार है। ऐसा क्यों ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, आप भी सोचिए मन में, ऐसा हो रहा है, अभी भी विद्यमान है। भले ही ये मैंने विराट रूप से इसको लिया नहीं जा रहा है किंतु देखा जा रहा है, किंतु फिर भी भारतीय समाज में अभी भी कुछ ऐसे विद्यमान है, ऐसे ऐसे मैंने बातें विद्यमान है, ऐसे ऐसे कहना चाहिए मान्यताएं हैं उनमें कि ये विधवा है, ये क्यों शादी करेगी। लेकिन पुरुष अगर कोई उसकी पत्नी मर गई है, वो विधुर हो गया है, तो उसको
उसको बोल नहीं सकते, कोई बोल भी नहीं सकता। तो ऐसा भेदभाव क्यों, केवल स्त्रियों के प्रति ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए करके कहा गया है। तो नवजागरण काल में क्या हुआ कि आने वाले उसमें मैंने जब उसका विकास होने लगा, हिंदी उपन्यास का विकास होने लगा, तो इन सभी चीजों को मुद्दा बनाते हुए धीरे धीरे वो लोग भी पढ़ते लिखते चले गए और शिक्षित होते गए, और धीरे धीरे ये सब स्त्रियां भी ऐसी दुर्दशा का चित्रण स्त्रियां भी इसको झेल चुकी थी, और धीरे धीरे उसका फिर विकास होने लगा, और स्त्रियां भी आज के जमाने में स्त्रियों को कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। कोई भी उसको विधवा मैंने किसी कोई विधवा हो जाती है तो उसको मैंने विवाह करने का पूरा अधिकार है। अगर दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के लिए कोई कहता है, अभी भी जैसे मैंने कहा ना ये मान्यता है अभी भी है, थोड़ा बहुत है जरूर लेकिन है, तो कहीं से भी आभास हो जाता है लड़की को कि उसके वर पक्ष वाले उसके साथ इतना सारा दहेज मांग रहे हैं, तो वो लड़की स्वयं कह रही है, आज स्वयं कह रही है कि नहीं मुझे इससे शादी नहीं करना है, मुझे इससे विवाह नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित हो चुकी है, उस समय अशिक्षित थी, उस समय अशिक्षित होने के कारण माता पिता की बातों को मानने के लिए वो विवश थी, और उस समय ऐसा वातावरण था, किंतु आज धीरे धीरे उस पर आज लड़कियां जो है वो आगे बढ़ रही हैं, लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, माने पुरुषों से कंधा मिला करके वो कार्य कर रही हैं, और धीरे धीरे अगर ऐसा होता रहा तो हमारा भारत देश का निश्चित रूप से विकास तो हुआ है, और भी विकास होगा, और बहुत अच्छी पहचान हमारे भारत देश का इस राष्ट्र में रहेगा। ये बताया गया है। ये भारतीय उपन्यास का उदय कैसे हुआ, वही बात फिर से फिर बताया गया है। भारत में उपन्यास का उदय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब बंगला में प्यारी चांद मित्र का उपन्यास आला लेर घरेर दुलाल दुलाल करके एक धारावाहिक था। उस धारावाहिक में पता चल रहा है उस समय राजरसे में पहले पलने वाला साहित्य तो लिखा जाता था, परंतु जन सामान्य के जीवन के प्रति किसी विशेष लगाव या प्रतिबद्धता से युक्त साहित्य पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्था में प्रस्फुटित हो रहा था। अर्थात तो इस समय क्या हुआ, प्रेस की स्थापना हुई, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों का नॉवेल नामक विधा से परिचय हुआ, भारतीय भाषाओं में गद्य गद्य का प्रचार प्रसार हुआ, और भारत में कथा लिखने कहने सुनने की परंपरा तो थी ही, इस प्रकार भारतीय उपन्यास भी यथार्थता का रूप लेकर के जनजीवन को अभिव्यक्त करने वाला एक सशक्त विधा बन गया उपन्यास। फिर आया गद्य लेखन का प्रसार, गद्य और पद्य मैंने बताया था, गद्य और पद्य में अंतर, तो गद्य जितना सहज लगता है पद्य कठिन है, तो गद्य लेखने का लेखन का प्रसार हुआ भारत में। नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के नए स्वरों को व्यक्त करने के लिए क्या किया गया भाषा रूप शैली भाव भंगिमा की जरूरत थी। मध्यकालीन सामंती साहित्य रूप में आधुनिक युग की चेतना आधुनिक युग की चेतना को अभिव्यक्त करने में न तो सामर्थ्य थी और न ही कौशल था, किंतु धीरे धीरे गद्य का विकास हुआ। गद्य लिखने के लिए क्या है, कोई लिख देगा तो हो जाएगा क्या, अपने से कोई लिख जाएगा, लिख देगा कोई भी उपन्यास, और उसको अगर मैंने प्रेस में नहीं देगा, उसको नहीं छपवाएगा तो कैसे पता चलेगा कि इसने ऐसा लिखा है, उसको मैंने प्रेस में छपने से ही वो लोगों के पास पहुंचेगा, जनजीवन के पास पहुंचेगा, सभी जन जन तक पहुंचेगा वो, और जन जन जो है व्यक्ति जो है उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसमें मैंने जानेंगे कि इस उपन्यास में क्या लिखा है। अगर व्यक्ति केवल लिख के रख देगा घर में और उसको अगर छपवाएगा नहीं तो कैसे आएगा समाज के सामने, राष्ट्र के सामने, राज्य के सामने कैसे आएगा। तो क्या है, इसके लिए जरूरी क्या है, प्रेस और पत्रकारिता का आगमन से इस विकास के लिए अनुकूल माने परिस्थितियां पैदा की, अर्थात प्रेस इत्यादि का आविर्भाव हुआ, विकास हुआ, और उससे भी लोग क्या किए, अपने जो साहित्यकार थे वो अपने साहित्य को लिख करके उसको छपवाने लगे। भारत में मुद्रण यंत्र ईसाई धर्म प्रचारकों के साथ आया। भारत में पहला छापाखाना 1563 ईस्वी में कोच्चि के निकट एक सेमिनरी में स्थापित हुआ, अर्थात पहला छापाखाना, नोट कीजिए इसको, भारत में पहला छापाखाना 1563 में हुआ, और 1710 में तमिल प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि पुस्तक में दिया है, उसको पढ़ना आप, लिख लेना उसको, बहुत डिटेल्स में दिया है, अर्थात पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया, परंतु भारतीयों ने इसका उपयोग नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के लिए भी किया। उसमें क्या किया, इन्होंने प्रकाशन तो हुआ, उसका मुद्रण हुआ, छपना हुआ, और प्रसार भी किया गया, प्रेसों की स्थापना की गई, किंतु भारतीय भाषाओं में पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया कि, परंतु भारतीयों ने इसका उपयोग नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार प्रसार के लिए किया।
इस प्रकार प्रशासन के कार्यों के लिए भी प्रशासकों की भाषाओं को गद्य के माध्यम के रूप में विकसित करने का निश्चय उन्होंने निश्चय किया और गद्य का प्रारंभ हुआ। प्रेस की स्थापना और गद्य लेखन का आरंभ होते ही भारत की सभी भाषाओं में तेजी से पत्रकारिता का भी उदय हुआ। भारत की अन्य भाषाएं जो है, पहला तो हिंदी भाषा है ना, हिंदी में लिखने वाले का हिंदी भाषा है, और अन्य 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 प्रांत में जो भारत देश के जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, उस राज्य के साहित्यकार अपनी अपनी भाषा में लिखने लगे और अपनी अपनी भाषा में लिख करके उसको मैंने छपवाए। उस चीज को छपवाने से स्थान विशेष के कारण, प्रांत विशेष के कारण, जिस प्रांत की भाषा जो है उस प्रांत के लोग उसको पढ़ने लगे, उसको समझने लगे, और उसके बाद फिर उसी चीज को जानने लगे कि उसमें किस प्रकार का, उसमें सौंदर्य के बारे में, किस प्रकार के नवीन के बारे में, किस प्रकार से राष्ट्रीय जागरण के बारे में, राष्ट्रीय चेतना के बारे में, सामाजिक चेतना के बारे में उनको, उनसे शिक्षा मिली है ना, शिक्षा मिलने से वो शिक्षित हुए। तो धीरे धीरे प्रेस की स्थापना और गद्य लेखन का आरंभ होते ही भारत की सभी भाषाओं में तेजी से पत्रकारिता का उदय हुआ, सभी भाषाओं में लिखे जाने लगे, और नवजागरण में पत्रिकाओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। नवजागरण की भावना को जन जन तक पहुंचाने में पत्रकारिता ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ना, पत्रकारिता ने बहुत अधिक भूमिका अदा की, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। इसे भारतीय भाषाओं में लिखे जाने वाले गद्य का परिष्कार तो हुआ, इसके इसमें विविधता भी आई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का पहला उपन्यास आला लेर घरेर दुलाल का धारावाहिक प्रकाशन मासिक पत्र नामक बांग्ला पत्रिका में ही हुआ। बांग्ला पत्रिका, कौन सा पत्रिका? बंगला के मासिक पत्रिका में क्या क्या बताया, पहला उपन्यास क्या बताया? आलालेर घरेर दुलार। हाँ, इसको आप नोट करेंगे, ऐसे सबको नोट करते जाना, गणित की भांति है ना, गणित में जैसे सूत्र इत्यादि पढ़ते हैं ना, उसी भांति इसको भी करना। आपका क्वेश्चन देखना, उसमें थोड़े से अपने भावों को लिखते जाना, और उसके बाद सन इत्यादि, जिस सन में जो हुआ है ना, जिस साहित्यकार ने जो रचनाएं लिखी उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आप लोग उन पर ध्यान दीजिए। कम से कम दो तीन रचनाएं, और दो तीन साहित्यकारों के नाम, और दो तीन रचनाएं उसमें लिखेंगे आप, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आसानी से बनेगा। और उसी को देखता है मैंने, जो एग्जामिनर जो है ना, मैंने जो पेपर जांचता है ना, तो पेपर जांचने वाले जो होते हैं वो लोग उसको देखते हैं, उस चीज को, इसको मालूम है कि नहीं, किस सन में क्या हुआ था, ये उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर ऐसी चीजों को आप लिखेंगे ना, उसको फिर कैसे लिखेंगे आप? इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे उसको, ताकि आपको मैंने जो जांचने वाला है उसका ध्यान आकर्षित हो और वो देख सके कि यहाँ लिखा है। आप कहोगे नहीं मैडम, हमने तो बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारे उपन्यासकारों के नाम लिखे और उनके उपन्यास भी लिखे, पर आप ऐसे जगह पे लिखे हैं क्वेश्चन के आंसर के ऐसे अंदर में आपने उसको डाल दिया है कि किसी को पता नहीं चलता। आपको क्वेश्चन का आंसर जो है एकदम क्लियर क्लियर दिखना चाहिए। जिसकी जैसी राइटिंग है, जिसके जैसा लिखावट है, अक्षर है, वो तो वैसा होगा ही, किंतु आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं ना, लिखते समय जहां पे इस चीज को लिखना है, जैसे जो साहित्य है, साहित्यकार है, जो लिखना, थोड़ा क्लियर दिखे, थोड़ा सा क्लियर दिखे, वो थोड़ा सा जगह आजू बाजू भले छोड़ दीजिए, तो उसमें पता चले जो जांचने वाला है कि नहीं इसने लिखा है, और उसको देख करके वो नंबर देगा देंगे। तो आप जैसे क्वेश्चन का आंसर, एक क्वेश्चन का आंसर जहां समाप्त करते हैं वहां एक लाइन छोड़ देंगे, चाहे असाइनमेंट हो, चाहे उत्तर पुस्तिका में आप जो लिखते हैं, आप जो थ्योरी जो लिखेंगे आप, तो उसमें भी आप ध्यान देंगे पूरा, मैंने शुद्ध उसमें भी नंबर है, आप ध्यान देना। प्रश्न क्रमांक लिखिए और उसके बाद उसको उत्तर लिखिए, उस क्रमांक जो आप लिख रहे हैं, प्रश्न का नंबर जो डाल रहे हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। जांचने वाला जो होता है वो बार बार ये नहीं देखते, वो नहीं देखते कि किस क्वेश्चन का आंसर है, उनको पता चलना चाहिए। जैसे दिया है क्वेश्चन, एक दिया है भारतीय क्या कहे, भारतीय उपन्यास है ना, भारतीय उपन्यास के बारे में बताइए, भारतीय उपन्यास कौन कौन से हैं, ये प्रश्न दिया है, तो ऊपर स्पष्ट पूरा दिखना चाहिए भारतीय उपन्यास करके लिखेंगे आप, उसके बाद नीचे वाली लाइन से उसको स्टार्ट करेंगे, और पूरा क्वेश्चन जो आप दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पूरा क्लियर दिखना चाहिए, और क्वेश्चन समाप्त होने के बाद, क्वेश्चन समाप्त होने के बाद आप एक लाइन, एक क्वेश्चन खत्म होने पर एक लाइन आप छोड़ देना उसको, ताकि जांचने वाले को पता चले सेकंड क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसका अंत क्या लिखा है, वो पढ़ते हैं ज्यादा करके। आप उसमें निष्कर्ष, आप क्वेश्चन में आप निष्कर्ष या उपसंहार लिखेंगे, पहले में प्रस्तावना लिखेंगे, पर प्रस्तावना देखिए कई लोग ऐसे गलती किए हैं, मैंने देखा है कई लोग ऐसी गलती करते हैं, असाइनमेंट इत्यादि लिखते हैं तो जैसे प्रस्तावना कह दिया, तो इस पुस्तक में जो प्रस्तावना दिया रहता है ना, जिस क्वेश्चन के आंसर में जो प्रस्तावना दिया रहता है उसी को उतार देते हैं, उसमें यहां तक लिखा रहता है कि पिछले कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है कि, ऐसा कोई लिखता है? ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप बनाएंगे? ऐसा कोई एक लाइन अगर पढ़ लिया, जांचने वाले ने पढ़ लिया, तो पूरा भूल है आपका,
पूरा गलत मानेगा वो। तो थोड़ा सा नकल करना है पुस्तक से लेना, हमको तो सामग्री मिलेगा नहीं, मटेरियल्स तो उतने सारे उपलब्ध नहीं है। जहां से भी आप मटेरियल्स लेंगे उसको थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा समझिए। कई लोगों का मैंने पेपर जांचा है असाइनमेंट में, यहाँ के बाहर के लोगों का भी मैंने ऑनलाइन पेपर जांचा है, जिसमें मैंने देखा है ये कि वो ये लिख देते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने ये पढ़ा है, ऊपर में ऐसा लिखा था, इकाई एक इकाई में ये बताया गया है, ये दूसरी इकाई है। वो क्यों बताएंगे आप लोग? वो तो पुस्तक वाले का काम है, उसने प्रिंट किया है आपको बताने के लिए, किंतु तो आप उस चीज को क्यों उतारेंगे उसमें? आपको जो सही है, जो लिखना चाहिए वो लिखना है। तो प्रस्तावना में आप क्वेश्चन का प्रस्तावना लिखेंगे, जैसे भारतीय उपन्यास पूछा तो उसमें प्रस्तावना में आपको लिखना है उपन्यास क्या चीज है। पहले आपको परिचय देना है, उपन्यास का उद्भव विकास कहाँ हुआ, उपन्यास की परिभाषा क्या है, और कौन कौन से उपन्यासकार हैं, थोड़ा सा लिखने के बाद फिर आप मेन क्वेश्चन पे आएंगे, मेन उत्तर पे आप आएंगे। तो वो जो प्रस्तावना आपका रहता है वो एकदम आकर्षित होना चाहिए, है ना। आकर्षित मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छे से उसको कलर पेंसिल इत्यादि से उसको स्केच पेन से सजाना, ऐसा नहीं है। अपने ही जो इंक, जिस इंक से, जिस स्याही से आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से लिखना है, परंतु आप साइड हेडिंग जो देंगे, प्रस्तावना इत्यादि जो लिखेंगे, वो क्लियर जो जांचने वाले को दिखना चाहिए। ये नहीं है कि उसी लाइन में पैराग्राफ के इस साइड में से स्टार्ट कीजिए, पैराग्राफ के इस मार्जिन जो है, मार्जिन में आप स्टार्ट कीजिए, प्रस्तावना लिखिए और उसके बाद स्टार्ट करना है, उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए और एक लाइन हो सके तो छोड़ दीजिए और नीचे से उसका आंसर लिखिए। तो ऐसे में क्या होता है, जांचने वाले का ध्यान आकर्षित होता है, जांचने वाला समझता है कि इसने बहुत, मैंने इसको अच्छा ज्ञान है, अच्छा लिखा है। आप कहेंगे नहीं मैडम, हमने प्रस्तावना लिखा है उसमें, और प्रस्तावना को उसी चीज में मार्जिन के इस साइड में अब मैं उसको लिख देंगे और कहीं पे अंडरलाइन भी नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा, वो कैसे नंबर देगा? तो उनका ध्यान आकर्षित करना है, इसलिए छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे आप तो अधिक से अधिक नंबर आपको मिलेंगे, मालूम है। और आप क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, अच्छे से लिखा है, आपने याद किया है, आपने समझ के भी लिखा है, किंतु ऐसा लिख दिया है उसमें कि कई लोगों से बड़े बड़े राइटिंग में लिखते हैं, कई लोगों से एकदम छोटे लिखते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा संतुलन उसका बनाए रखना है और उसको लिखेंगे तो आपको उनको आसानी से समझ में आएगा। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, एक क्वेश्चन करने के बाद एक लाइन आप छोड़ देंगे, चाहे वो आपका असाइनमेंट हो, चाहे आपका एग्जामिन हॉल में जब बैठेंगे आप, परीक्षा हॉल में जब बैठेंगे आप, तो वहां पे जो उत्तर पुस्तिका दी जाएगी उसमें आप लिखेंगे, उसमें तो एडिशनल दिया जा रहा है, अतिरिक्त आपको मिलता है, वो तो काहे के लिए उसी के अंदर आप सभी चीज को भरेंगे, थोड़ा सा उसमें जगह छोड़ देंगे, एक लाइन उसमें जगह छोड़ देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, अगर एक क्वेश्चन का आंसर नीचे तक आया है, दो लाइन केवल बचा है, केवल दो लाइन बचा है, तो वहां से क्वेश्चन का शुरुआत मत करना, नेक्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत मत करना, पृष्ठ पलटिए करके उसमें लिखिए, नेक्स्ट पीटीओ करके लिख दीजिए उसमें, और नेक्स्ट जो पेज है वहां से स्टार्ट कीजिए। अच्छा नहीं लगता ना, जो मैंने कहना चाहिए, जैसे हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, उसका शीर्षक अगर हम नीचे लिख देंगे, है ना, उसका जो हेडिंग्स है, उसका जो शीर्षक है, उस शीर्षक को हम नीचे देख रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे समाप्त हुआ, दो लाइन नीचे बचा है, वहां पे अगर लिख दिए और उसके बारे में पीछे बता रहे हैं तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, जांचने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उसका मुख भी वही होना चाहिए जहां पे शरीर हो, समझ में आ रहा है? मुख अर्थात शीर्षक, हम अपने जिस प्रकार से चेहरे को, मुंह को सजाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से वो जो साहित्यकार है अपने शीर्षक को सजाता है, वो शीर्षक को सजाता है, शीर्षक को देख करके, टाइटल को देख करके हमको समझ में आता है कि इसमें क्या बताया जाएगा और क्या बताया गया, वो समझ में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है अच्छे से अच्छे नंबर पाने के लिए। और क्वेश्चन का आंसर, जैसे मैंने ये तो क्वेश्चन मैंने अनावश्यक बातें नहीं है, ये आवश्यक बातें हैं करके मैं इसमें कह रही हूँ, चाहे आपका एमएसडी 13 हो या कुछ भी हो, मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्रस्तावना लिखने के बाद क्या लिखेंगे। कोई क्वेश्चन का आंसर आप हल कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी के कहना चाहिए व्यक्तित्व परिचय, या फिर विद्यापति का गीति काव्य है, मीराबाई का गीति काव्य है, उसको पूछा है क्वेश्चन उसने, तो मीराबाई का गीति काव्य करके तो पहले तो देना है हेडिंग, फिर उसका प्रस्तावना लिखना है, मीराबाई कौन से काल की कवयित्री थी, उन्होंने अपने उसके भाव क्या थे, उन्होंने किसके प्रति अपनी रचनाएं रची, उनका जीवन कैसा था, वो लिखना है। उसके बाद आप लाइन देना है, साइड में लिखना है उसमें उनके मीराबाई के पद को गीति काव्य के आधार पर निम्नलिखित रूप से विवेचना की जा सकती है, या उस पर प्रकाश डाला जा सकता है। फिर उसके बाद पूरे पॉइंट को आप लिखना, जितने भी पॉइंट है पूरे पॉइंट को पहले उतारिए, पॉइंट उतारने के बाद एक एक करके उसको आप डीलिंग करना है ना। तो क्या होगा, अगर लास्ट में ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं, है ना, आप लोगों के लिए है ये, इस एमएसडी कहना चाहिए एमए फाइनल ईयर की क्लास में भी मैं इस चीज को बोल रही हूँ, तो इसमें आपको ध्यान देना है, एक एक करके आप लिखेंगे, अगर पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हैं तो धीरे 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 करके नेक्स्ट पेज में एक एक करके उसको विस्तार पूर्वक लिखना है। अगर ये समय, अगर ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास 5 मिनट केवल बचा है और आप उसको पैराग्राफ वाइज अगर क्वेश्चन का आंसर हल करते हैं, तो अगर 5 मिनट या 2 मिनट बचा है तो एक पैराग्राफ ही उसमें हो पाएगा,
केवल एक ही पैराग्राफ होगा उसमें, जो दूसरा नहीं हो पाएगा तो कितना नंबर देगा पेपर जांचने वाले, केवल एक नंबर देगा। इसलिए अगर हम पूरे पॉइंट को उतार रहे हैं और उतारने के बाद एक पॉइंट को डिलिंग करते हुए या उसका विस्तार पूर्वक लिखते हुए अगर लिख रहे हैं, अगर घंटी भी बज गया तो जांचने वाले को पता चलता है कि ये इसको मालूम था, क्वेश्चन का आंसर मालूम था, किंतु समय अभाव के कारण वो लिख नहीं पाया, तो उसमें वो अच्छे से अच्छे नंबर उसमें भी देगा, उस पॉइंट को देख करके उसमें नंबर देगा वो। तो इन बातों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा छात्र जीवन में हमेशा इन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्लियर करने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसको एग्जाम में लिखने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। किसके लिए? उसको पॉइंट वाइज लिखने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट उसको लिखते जाइए और फिर उसको फिर एक एक करके डीलिंग करेंगे। तो डीलिंग करने में भी एक में भी दो चार लाइन पांच लाइन छह लाइन करते करते आपका 15 नंबर का बहुत सुंदर सा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। 15 पॉइंट लिखा आपने, 10 पॉइंट लिखा आपने, 10 ही पॉइंट को जब आप विस्तार पूर्वक लिखते चले जाएंगे तो वो कितना सुंदर आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और ये भी अगर मैंने जो बातें एक बार फिर दोहरा रही हूँ, क्वेश्चन मैंने आपका लास्ट क्वेश्चन है और टाइम आपके पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में आप जान रहे हैं किंतु समय अभाव के कारण लिख नहीं पा रहे हैं, तो पूरे को लिख दीजिए। प्रस्तावना लिखने के बाद प्रस्तावना 2-3 लाइन में प्रस्तावना भी लिख करके उसको कम कर दीजिए, उसके बाद मेन मेन बातों को लिख देना है प्रस्तावना में, फिर पॉइंट पे आ जाइए। पॉइंट को लिखते 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 अगर घंटी बज जाता है तो भी उसमें प्रभाव पड़ता है, जांचने वाले का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, उसको पता चलता है कि समय अभाव के कारण ये लिख नहीं पाया। और अगर उसी मिनट में एक पैराग्राफ आप 1 मिनट में 2 मिनट बचा है तो केवल एक ही पैराग्राफ लिखेंगे तो उसे एक पैराग्राफ से क्या पता चलेगा? नहीं के बराबर है, है ना? एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन में, केवल एक ही पैराग्राफ लिखा तो क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा आपको, उसका मैंने नंबर कहाँ से मिलेगा? तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। इसलिए ये जरूरी है, आप मैं जो कह रही हूँ उपन्यास लिख रहे हैं, उपन्यास किस साहित्यकार, मैंने सामाजिक उपन्यास है कि राजनीतिक उपन्यास है कि ऐतिहासिक उपन्यास है, इन उपन्यासों को लेते लेते आप वैसे कॉलम बना लीजिए कल मैंने जैसे कहा था, और उसको लिखते जाएंगे, फिर उसको आप एग्जाम जब हॉल में जब क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें उसको ऐड करते जाएंगे, तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से बनेगा। आगे बढ़े, उपन्यास लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई बताया है? भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के साथ यहाँ की मध्यकालीन सामंती व्यवस्था ध्वस्त होने लगी। पूंजीवाद के आगमन और अंग्रेजों का प्रशासनिक और आर्थिक नीति के फलस्वरूप भारत में मध्य वर्ग का विकास बड़ी तेजी से हुआ और सरकारी कामकाज में भारतीयों की सहायता लेना अंग्रेजों का, उसमें क्या होता था देखो, क्या कैसे विकास हुआ? यह मध्य वर्ग सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और छोटे मोटे व्यवसायियों के समूह में निर्मित हुआ और सरकारी कामकाज में भारतीयों की सहायता लेना अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया। उनको कुछ ऐसा कामकाज, कुछ ऐसी बातें उनको पता नहीं रहता था, उसके लिए उन्होंने सरकारी लोगों को रखते थे, भारतीय लोगों को रखते थे, तो ऐसे में भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पता चल गया, है ना? अंग्रेजी शिक्षा का ढंग क्या है, अंग्रेजी शिक्षा क्या है और अंग्रेजी ढंग की प्रशासन व्यवस्था क्या है वो जानने लगे, और जानते जानते उनके मन में भी लिखने का मैंने अभ्यास हुआ और आगे चल करके धीरे धीरे पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी नावेल से परिचित हुए जो भारतीय साहित्य के लिए सर्वथा नया काव्य था और संभवतः बाद में चलकर अपनी भाषा में इस प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत करने की आकांक्षा भी प्रबुद्ध लोगों में जागी। सभी व्यक्ति नहीं लिख सकता, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में सभी व्यक्ति जो हैं, सभी व्यक्ति एक काम का नहीं कर सकते, एक ही प्रकार के काम नहीं कर सकते, कई कई लोग करते हैं और उनका भी एक मैंने गुट बनता है, उनका भी एक समूह बनता है ना? मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि एक राष्ट्र में केवल एक व्यक्ति लिखेगा, है ना, एक राज्य में केवल एक व्यक्ति लिखेगा, एक गाँव में केवल एक व्यक्ति लिखेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा इनका भी समूह बनता है और कई सारे लोग अपने अपने रुचि के अनुसार, कोई लिखने में, कोई पढ़ने में, कोई फिर मैंने अन्य क्षेत्र में, जैसे इंजीनियरिंग क्षेत्र है आपका, स्वास्थ्य क्षेत्र है, चिकित्सक वाला क्षेत्र है, चिकित्सा विभाग का क्षेत्र है, कृषि विभाग का क्षेत्र है, अन्य क्षेत्रों में भले बढ़ जाते हैं तो उनकी भी एक समूह बनता है, उनका भी कई सारे, कई ऐसे बहुत सारे होंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में होंगे, कई ऐसे बहुत सारे लोगों का समूह बनेगा जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में होंगे, कई ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहना चाहिए मनोरंजन के क्षेत्र में, तो उनका भी गुट बनता है। तो सभी के हृदय में बुद्धि का विकास अलग अलग होता है, तो इसमें बुद्धिजीवी वर्ग जो थे, जो शिक्षित वर्ग थे, ये सब धीरे धीरे अंग्रेजी नॉवेल से परिचित हुए और भारतीय साहित्य के लिए सर्वथा नया काव्य बन गया और आगे चल करके उनके बुद्धिजीवी जो लोग थे, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी जो लोग थे, वो लोग अपने अपनी रचनाओं को उन्होंने अपने रचनाओं में उन्होंने कथा, किसी भी कथा, किसी भी घटना को लेकर के उन्होंने अपने रचनाओं की सृष्टि की, चाहे वो उपन्यास
हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे निबंध हो। तो ऐसे ही भारतीय भाषाओं में उपन्यास लिखने की शुरुआत अनुवादों से हुई। वाल्टर स्कॉट, डेनियल डिफो, जॉन बनियन, ओलिवर गोल्डमिथ स्मिथ के उपन्यासों के अनुवाद भारतीय भाषाओं के पाठकों के बीच खूब लोकप्रिय हुई। उन्होंने ट्रांसलेट किया, अंग्रेजी में इन्होंने लिखा और उसको हिंदी में अनुवाद किया गया। हिंदी में अनुवाद करने से भी बहुत ही अच्छा लगा। डेनियल डिफो का रॉबिन्स क्रूसो, कल मैंने बताया था, रोमांच, रहस्य और साहस से युक्त उपन्यास होने के कारण भारतीय पाठकों के लिए पसंद बन गया। देखो, मैंने ट्रांसलेट किया गया उपन्यास, जो अंग्रेजी का उपन्यास हो हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तभी हम हिंदी वाली हिंदी देश के वासी जो है, हम भारतीय जो है उसको पढ़े, और पढ़ने पर कोई ऐसा साहित्यकार जो उसने अच्छा लिखा, कोई साहित्य क्रूर प्रवृत्ति को लेकर लिखता है, कोई, मैंने कल बार बार मैंने विभिन्न प्रकार के चरित्रों के बारे में बताया था। एक साहित्यकार था जो कि कहना चाहिए किसी गांव के समाज के बारे में लिखा है, कोई साहित्यकार था जो कि निर्दयी था, जो कि क्रूर था। तो क्रूर व्यक्ति कैसा लिखेगा? क्रूर व्यक्ति क्रूरी स्वभाव का ही लिखेगा, उसमें मारपीट इत्यादि होंगे, जासूसी होंगे। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के उपन्यासों का उसमें पदार्पण हुआ, लोग अपने अनुवाद करने लगे, और अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में हुआ। हिंदी में पढ़ने से सभी हमारे भारतवासियों को समझ में आया, और फिर बाद में वही लोग, वही उपन्यासकार लोग, जो उपन्यास उपन्यासकार थे, उन्होंने विभिन्न समस्याओं, विभिन्न कहना चाहिए स्थान, विभिन्न घटनाओं को अपने विषय वस्तु बनाया अपने उपन्यास का, और भारत में उपन्यास लिखना शुरू किया। भारतीय उपन्यासों में नवजागरण की अभिव्यक्ति, भारतीय उपन्यास का जन्म नवजागरण युग में हुआ, और जिस समय समाज सुधार और पुनरुत्थान से जुड़े विषयों का आधार बनाया गया, स्त्रियों की दुर्दशा, विधवा विवाह, स्त्रियों को शिक्षा, धार्मिक रूढ़िवादिता, पाखंड अंधविश्वास, सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, है ना, छुआछूत, जो है, जो मैंने बार बार बताया उसी चीज को बार बार रिपीट करके दूसरे पॉइंट में ले दे रहा है ये। तो इसमें सामाजिक भेदभाव, है ना, समाज में तुम ऊंचे वर्ग के हो, तुम नीचे वर्ग के हो, सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना, छुआछूत की भावना, तुम नीची जाति को हो, तुम हमको मत छूना, तुम छुओगे तो हमें छुआ लग जाएगा, ऐसे करके जो भावनाएं थी, जिसका कि आदिकालीन कवि अपने कबीर जो थे, है ना, वो किस प्रकार से उनका विरोध किया। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुड़मुड़ाए हरी मिले सब कोई ले मुड़ाए, है ना, बार बार के मुड़ते भैरन बैकुल जाए, अगर मुड़मुड़ाने से हरी की प्राप्ति होती, कई लोग क्या करते हैं, मुंडन हो जाते हैं, तिलक लगा लेते हैं, जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, उनकी प्रवृत्ति जो है खूंखार प्रवृत्ति की रहते हैं वो लोग, किंतु लोगों को दिखाना चाहते हैं, आडंबर करना चाहते हैं कि देखो कोई कोई देखेगा, हम भी आते जाते रहेंगे कहीं पे, आमने सामने किसी को ऐसा देखेंगे जैसे गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, सिर पर तिलक लगाया हुआ है, माला पहना हुआ है, और क्या कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, तो हमारे मन में क्या जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा क्या होती है, हमारे मन में कौन से भाव पैदा होते हैं, हम मानते हैं कि ये सन्यासी होगा, है ना उसको। तो मैंने कहना चाहिए कई ऐसे हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे वस्त्र बाह्य आडंबर करते हैं, वो लोग टीका लगाते हैं, जनेऊ पहनते हैं, किंतु उनके मन में धार्मिक धर्म के प्रति आस्था नहीं रहती, वो लोग दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोगों को कबीर ने उन पर मैंने प्रहार किया है, चोट किया है उन पर, कि ऐसा क्यों करते हो, बाह्य आडंबर मत दिखाओ, आडंबर मत करो, अगर सही में ईश्वर की प्राप्ति चाहते हो तो मन से स्मरण करो, तब भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति अर्थात तुम्हें सफलता निश्चित रूप से होगी। तो उन्होंने कहा है ना, क्या बोलते हैं, एक तो आपका उसमें क्या है, बताया है, माला फेरत जग फिरा, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार की, मन का फेर, हाथ में माला रखे रहोगे, जाप करते रहोगे, और उसको भगवान का नाम लेकर के जाप करते रहोगे, 108 माला है, और आपको क्या करना है, मन लग रहा है कि कब ये खत्म हो, कब ये खत्म हो, तो जाकर मैं उसको गुस्सा कराऊं, किसी को दांत डालूं, किसी को मार डालूं, किसी को पीट डालूं, और आपको लग रहा है, हाथ में रखे हुए हैं माला, रखे हुए जाप कर रहे हैं, और जाप करने से लोग आपको क्या जानेंगे, ये एक धार्मिक आस्था था, आस्तिक आदमी है, ये धर्म के प्रति आस्था रखता है, इसलिए ऐसा कर रहा है, किंतु वो व्यक्ति क्या करता है, उसको जाप करता रहता है, मन में कुछ और धारणा रहती है। तो कबीर का कहना है कि मन रूपी माला को जाप करके, हाथ में जो माला पकड़ा हुआ है उसको त्याग कर, उसको फेंक दे, और मन रूपी माला का जाप करेगा तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, ये उन्होंने कहा है। तो बाह्य आडंबर जो है, इन सभी का मैंने इन पर आक्रोश किया है, लेखकों ने उनको हटाया है, उनको उन कुरीतियों को दूर किया है, और अपने समाज में, अपने उपन्यास में उसको जगह दी है। अंधविश्वास है, पाखंडी है, धार्मिक रूढ़िवादिता है, स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर, लड़कियों को क्या कहा जाता था, तू लड़की है ना भारत देश में भी ऐसा देखा गया है, किसी के घर में लड़की है, लड़का लड़का लड़की दोनों है, भाई बहन दोनों है, तो किसी किसी समाज में, किसी किसी परिवार में ऐसा देखने को मिलता है। पिक्चर इत्यादि में भी देखा होगा आप लोगों ने, किस्सा सुना होगा आप लोगों ने, कि लड़की है तो तुझे इतना नहीं दिया जाएगा, तुझे खाना कम दिया जाएगा, ये लड़का है ये ज्यादा खाएगा, तो ऐसा भेदभाव,
ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब दोनों समान है, सभी माँ की नजरों में या मैंने समाज की नजरों में, परिवार की नजरों में सभी समान मानना चाहिए, तभी हमारी जो अंदर की जो भावनाएं हैं, ये जो भेदभाव की भावना है, इस भेदभाव की भावना से हम मुक्ति पाएंगे और समानता की भूमि जिएंगे, समतल भूमि में हम जिएंगे, संतुलित मैंने उन पर विचार रखेंगे, ये लड़का है तो ये लड़की है तो दोनों का समान अधिकार है करके जब तक हम नहीं सोचेंगे, तब तक ऐसी भावनाएं, ऐसे भेदभाव की भावनाएं हमारे समाज से कभी बाहर कभी दूर नहीं जाएगा, वो वही रहेगा। तो ऐसे ऐसे अवस्था में ये भेदभाव की भावना है, स्त्रियों की शिक्षा की भावना है, लड़की है तो लड़की पढ़ना उतना जरूरी नहीं है, लड़की को पढ़ने नहीं दिया जाता था पहले, केवल लड़का ही पढ़ेगा, केवल वो ही आगे बढ़ेगा, और लड़कियों को घर की चार दीवारी में रख दिया जाता था, तो उन पर किस प्रकार से वो लड़की फिर किसी के घर में जाती थी तो उस पर प्रताड़ित किया जाता था, अशिक्षा होने के कारण, अशिक्षित होने के कारण, माता पिता के मैंने कहने के कारण, माता पिता तो हमेशा बच्चे की भलाई चाहेंगे, किंतु उस समय कहा जाता था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं, ज्यादा पढ़ाना नहीं है, तो उनके मन में भी पता नहीं क्यों ऐसे मैंने ये कुरीतियां जो है उनके मन में भी एक भाव जागृत करते थे कि सही में ऐसा कहा गया है, सही में क्या लड़की को पढ़ाना क्या जरूरी है, और उनके मन में भी ऐसा होता था, और वो लोग भी इस प्रकार से बर्ताव करते थे, लड़का को पढ़ने के लिए भेजते थे और लड़की जो है घर की चार दीवारी में रह जाती थी। तो आज मैंने आज की स्थिति में उस नवजागरण काल में ये सब सुधार होने लगा, उनको समान माना गया और इसीलिए वो आगे बढ़ा, इसमें नवीन धारणाएं, नवीन बातें, नई कहना चाहिए नई नई भावनाएं जागृत हुई माता पिता के मन में भी, और अपने बच्चों को उन्होंने समान समझा। और आजकल के जमाने में देख रहे हैं आप, लड़का जैसा लड़की भी, लड़के को पढ़ने का अधिकार है तो लड़की को भी पढ़ने का अधिकार है। आज ये सुनने में नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है, घर में आसपास में भी नहीं सुन रहा है कि ए तू लड़की है तू मत पढ़ना, या उसके घर में एक लड़की है तो वो उसकी माँ कह रही थी तू मत पढ़ना, ऐसा सुनने में भी नहीं आ रहा है। आ रहा है सुनने में? बहुत कम। तो ऐसा मान के चले, ऐसी अवस्थाएं अगर आ गई है, अगर ऐसी मैंने ऐसी स्थिति आ गई है हमें सुनने में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा भारत देश जो है आगे की ओर बढ़ रहा है, सभी के मन में समानता की भावना आ गई है, इसे सभी को पढ़ने का समान रूप से दर्जा प्राप्त करने का सभी को अधिकार है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी को समान समान दर्जा प्राप्त है। जो कर सकता है, जो लड़की कर सकती है, जो लड़का कर सकता है, वो भी लड़की भी कर सकती है, करके ये भावनाएं जब तक हमारे समाज में, हमारे परिवार में जब तक ये भावनाएं जागृत नहीं होंगी, तब तक हमारा समाज, हमारा परिवार आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। तो नवजागरण काल के मुद्दे यही थे, और उन्होंने उस नवजागरण काल के जो उपन्यासकार थे, इन्होंने अपने उस सब्जेक्ट अपना वो सब्जेक्ट बनाया, अपना विषय बनाया, और उसको फिर उपन्यासों में अपनी रचनाएं लिखी, जिसको पढ़ने के बाद लोग उसको जान सके, उसमें पहचान बढ़ने लगी और सभी के मन में पहचान बढ़ने लगी कि नहीं नहीं पढ़ाएंगे तो ऐसा होगा कि कोई नहीं पढ़ता है, कोई लड़की अशिक्षित है, किसी परिवार में जाती है, उस परिवार के लोग उसको इतना मैंने यंत्रणा देते हैं, कितना उसको सताते हैं, ये सब चीजें कहाँ से हमको पता चलता है? किसी को किसी चीज को पिक्चर की भांति देखना, ड्रामा की भांति देखना, या फिर पुस्तकों में पढ़ना, पढ़ेंगे तब तभी हमको समझ में आए। एक लेखक अगर उस चीज को लिखेगा नहीं तो कैसे उसको सिनेमा बनाएगा, कैसे उस विषय वस्तु को सिनेमा में परिणित करेगा? एक एक साहित्यकार अगर उस कथा को नहीं लिखेगा तो कैसे उसको ड्रामा बनाएगा? इसलिए उसके लिखना आवश्यक है। एक साहित्यकार उसको अपने लेखनी के माध्यम से उसको विषय वस्तु बनाएगा, उसको सब्जेक्ट बनाएगा, और उसके आधार पर वो लिखेगा, और लिखने के बाद हम उसको पढ़ेंगे या फिर सिनेमा हॉल में देखेंगे या फिर ड्रामा देखेंगे या फिर सीरियल्स देखेंगे टीवी इत्यादि में, तभी हमारे मन में भी ऐसी भावनाएं जागृत होंगी। और माता पिता भी देखेंगे, उनको अशिक्षित माता पिता भी हैं तो वो भी उन चीजों को देखेंगे, देखने से उन पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, मेरा बच्चा ऐसा दुख नहीं सहेगा, मेरी बच्ची ऐसे दुख नहीं सहेगी जो दुख मैंने इस दृश्य में देखा, मैंने इस स्क्रीन पे देखा, मैंने चलचित्र में देखा, मैंने इस चीज को देखा है, तो वो बात वो चीजें, मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, किंतु मेरे बच्चों को मैं निश्चित रूप से पढ़ाऊंगी। किससे किससे प्रसार होगा, किससे प्रचार होगा? इन चीजों को देखने से, है ना, इन चीजों को सुनने से। तो सुनने से उनमें भी ऐसे भाव जागृत होंगे, और जागृत होने पर भी वो समतल भूमि पर आएंगे, समान माने जाएंगे लड़की को भी और लड़कों को भी। तो उस समय मैंने ऐसे होते थे पहले जमाने में, परंतु आज नहीं है, उस समय में ऐसा किया जाता था, और उसी को पढ़ करके उसी को सुन करके आज सभी जागृत हो चुके हैं, उनकी चेतना जागृत हो चुकी है, वो जान चुके हैं कि अशिक्षित होने का क्या परिणाम है और शिक्षित होने का क्या परिणाम है। फिर आगे स्त्री विमर्श के बारे में बताया गया है, समाज सुधार
और खासकर स्त्रियों की दशा में सुधार उपन्यास का केंद्रीय विषय बना रहा। और उसके बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र, प्रेमचंद इत्यादि जो उपन्यासकार थे, उन्होंने इस स्त्री विमर्श को, इस चीज को उन्होंने क्या किया, अपने उपन्यास में स्थान दिया, जिसके आधार पर बंकिम युग की शुरुआत हुई। बंकिम युग में तीन चीजें मैंने पहले भी बताया, अभी आज के पीरियड में मैंने बताया था। उन्होंने उपन्यासों की नायिका, उनकी उपन्यासों की नायिका स्त्री नायिका, जिसके आधार पर उन्होंने लिखा, उसका हेडिंग दिया दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, देवी चौधरानी, इस प्रकार से कपाल कुंडला इत्यादि कई सारे उपन्यासों का शीर्षक भी उन्होंने मैंने अपने उपन्यास में दिया। और उसको पढ़ करके, जैसे कि क्या आपने निर्मला, है ना, निर्मला का उदाहरण देंगे। जैसे निर्मला एक उपन्यास है, निर्मला के बारे में कोई सुनेगा, है ना, निर्मला के बारे में पिक्चर देखेगा, निर्मला के बारे में कहीं से सुनेगा, तो उसके मन में भी ये भावनाएं जागृत होंगी। उस समय की बात कह रहे हैं, ये प्रचार प्रसार का माध्यम है, चलचित्र, टीवी इत्यादि ड्रामा क्या है, ये प्रचार और प्रसार करने के माध्यम है। किसी चीज को प्रचार करना है, प्रसार करना है, चलचित्रों में, अखबारों में, टीवी सीरियल्स इत्यादि में, सिनेमा घरों में, ये और पत्र पत्रिकाओं में, ये सब क्या है, उसके द्वारा प्रचार होते हैं, प्रसार होते हैं, कि ऐसा मैंने शिक्षित जनता जो है, बुद्धिजीवी वर्ग, उसको पढ़ेंगे, लोगों को सुनाएंगे या कहीं से सुनेंगे, तो भी उनके मन में जो है चेतना जागृत होगी, नई भावनाएं प्रस्फुटित होंगी, और उसी आधार पर वो अपने समाज को, अपने परिवार को भी ढालने में सक्षम हो जाएंगे। तो ऐसे ही जिसमें एक लिखा है उपन्यास, इसमें बताया मुख्य रूप से नारी की समस्या को केंद्र में रखा गया है। बंकिम के उपन्यासों में रोमांस की प्रधानता है, परंतु मात्र रोमांस लेखक नहीं थे, वे अपने लेखन के जरिए बंगला भाषी जनता के विचारों को उद्वेलित, उद्बोधित, प्रेरित करना चाहते थे। इस दृष्टि से उनका उपन्यास विषवृक्ष उल्लेखनीय, जिसमें विधवा विवाह को केंद्र में रखा गया है, अर्थात विश्व वृक्ष की कथा से मिलती जुलती है। और भी अन्य कथाएं लिखी गई हैं, विधवा विवाह का परिणाम सुखद नहीं दिखाया गया, जबकि पत्नी के बलिदान पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कई सारी बातें बताई गई हैं, जिसमें कि बताया गया है विधवा विवाह करने से क्या होता है ना, हमारे समाज में उसको क्या कहते हैं, मैंने बुरी बुरी दृष्टि से देखते हैं, कोई विधवा अगर विवाह कर ले तो उसको बुरी दृष्टि से देखा जाता है, और क्या और भी कई बातें हैं। तो इनमें क्या होता है, इसको पढ़ करके, इस उपन्यासों को पढ़ करके उनके मन में भी जागृत होता है, नहीं, विधवा भी विवाह कर सकती है, उसका जीवन यापन कर सकती है, ऐसी विचारधाराएं उस पुस्तक को पढ़ने पर पाठकों के मन में रम जाता है। पाठक भी सोचते हैं, हाँ क्यों नहीं, लड़का अगर शादी कर सकता है, विधुर अगर शादी कर सकता है, तो एक विधवा शादी क्यों नहीं कर सकती, ये प्रश्न उसके मन में जागृत होंगे, और तभी वो उस चीज को मैंने क्या कहने कहना चाहिए समर्थन देगा। और जहां पर ऐसे कुछ होगा, उसके सामने भी कहीं कुछ होगा, कोई विधवा अगर विवाह करना चाहती होगी, तो वहां पर अगर कोई कुछ कोई कह रहा होगा, कोई उंगली उठा रहा होगा उस जगह पर, तो वहां पे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग वहां पहुंचते हैं और वहां रहते हैं, एक ना एक जरूर बुद्धिजीवी वर्ग वहां रहेंगे, तो वो उन पर कहेंगे, नहीं ये ठीक है, ऐसा करना ठीक है, क्यों नहीं, इसको अधिकार है, पुरुष को अगर अधिकार है तो स्त्री को क्यों अधिकार नहीं है, ऐसा अगर प्रश्न करेंगे तो शायद हमारा समाज, शायद हमारा परिवार, शायद हमारा देश, शायद हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ेगा। तो इन्हीं सभी सभी विषयों को लेकर के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों की रचना की, और हिंदी साहित्य जगत में उनका अमूल्य स्थान रहा है, और उनको पढ़ करके लोगों के मन में नई चेतना जागृत हुई है। फिर आएंगे मानवतावाद पर, स्त्रियों की दशा सुधारने के अलावा नवजागरण के दौरान व्यक्ति व्यक्ति के बीच में समानता पर भी बल दिया गया, है ना, मानव को मानव समझा गया, ऊंच नीच उस पर भेदभाव नहीं किया गया। नवजागरण के सभी नेताओं ने भारतीय समाज की इन कमजोरियों को आलोचना की और एक नए आधुनिक समाज की स्थापना की वकालत की। भारत के कई उपन्यासकारों में नवजागरण के हिस्सा लिया और अपनी कृतियों के जरिए इन पर कुठाराघात किया। जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का गोरा गोरा करके एक भारतीय उपन्यास है, तो उसमें भारतीय जागरण को ध्वनित करने वाला प्रतिनिधि रचना है। इसमें धर्म, जाति, नस्ल आदि की शुद्धता, पवित्रता की मान्यता को खंडित कर मानवता और विश्व कल्याण की स्थापना की है, है ना, क्या है ना, कि व्यक्ति अपने ना जाति से, ना धर्म से, ना कुल से, हाँ जाति कुल वंश गोत्र से महान नहीं बनता व्यक्ति, व्यक्ति अपने आंतरिक अच्छाइयों से महान बनता है, व्यक्ति अपने गुणों से महान बनता है, व्यक्ति को उसके गुणों से पहचानना चाहिए, उसके जाति और कुल से नहीं पहचानना चाहिए। किंतु पहले जमाने में ऐसा होता था, पहले जमाने में भी, जैसे कि रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि एक जगह पर कर्ण जो था, कर्ण अपने माता कर्ण की माता कुंती थी, पिता सूर्य थे, और कुंती ने उस समय क्या किया था, सेवा करती थी, गुरु की सेवा करती थी, उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा की, तो दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक मंत्र जाप करने के लिए दिया था और उन्हें कहा था
कि अगर इस मंत्र का तुम जाप करोगे और जो जिसको भी तुम स्मरण करोगे वो तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। ऐसे में कुंती ने क्या किया, उस माला को जाप किया और माला जाप करने से उसने भगवान सूर्य को स्मरण किया। भगवान सूर्य आए और सूर्य समागम से कर्ण का जन्म हुआ। चूंकि कुंती अविवाहिता थी, क्योंकि कुंती का विवाह नहीं हुआ था, वो अविवाहिता थी। ऐसी स्थिति में जब पुत्र को उसने जन्म दिया तो वह क्या किया, उसने लोक लज्जा की भावना से बचने के लिए, लोक लज्जा, लोग क्या कहेंगे, लोग लांछन लगाएंगे, इसका इस बच्चे की माँ माँ ये है, इसके पिता कौन है, बार बार मैंने समाज में जो व्यवस्था थी उस समय, तो ऐसे महाभारत में लिखा गया है, महाभारत की कथा है ये, तो उसमें बताया गया है किस प्रकार से कुंती उसको 9 महीने गर्भ में रख करके जब जन्म देती है, जन्म देने पर एकदम डर जाती है, वो सोचती है अगर मैं इसको अपने साथ रखूंगी तो समाज मुझ पर लांछन लगाएगा, समाज मुझे प्रश्न करेगा कि ये किसका बेटा है, इसका इसके पिता का नाम क्या है। इसलिए उसने क्या किया, माँ के नाम को कलंकित करते हुए उस माँ ने ऐसा काम किया कि माँ के नाम से कर्ण को बहुत दुख होने लगा। माँ को वो सुनना नहीं जानता था चाहता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसको क्या किया था, जब उसको जन्म दिया तो एक मंजूषा में भर करके उसको पानी में प्रवाहित कर दिया। पानी में प्रवाहित करने पर एक व्यक्ति अधिरथ नाम के एक व्यक्ति को मिला, जिसने उसका पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने के बावजूद वो घोड़े इत्यादि की, घोड़ा जहाँ बांधा जाता था, घोड़े की सफाई करता था, ऐसा व्यक्ति था वो, एक नीच जाति का व्यक्ति था और सारथी था वो। और उसने क्या किया, उसका पालन पोषण किया। और पालन पोषण करने पर वहां कर्ण रहने लगा। जब पांचों भाई पांडव यहाँ पे राजमहल में रहने लगते थे, रह रहे थे, उसी समय उनका बड़ा भाई, कहना जी पांडवों का बड़ा पुत्र जो था, जो कर्ण था, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से जन्म हुआ था इसलिए बड़ा बेटा था वो, और वो रहा अधिरथ के घर में। और वहां रहकर भी, वहां पे तो मैंने राजमहल नहीं था वो, एक झुग्गी झोपड़ी टाइप का था वहां पे वो रहता था, वहां रहकर भी उसने शास्त्र शास्त्र की शिक्षा ली, उसको कई प्रकार के मैंने हर चीज उसको आता था, क्या नहीं आता था, बहुत बड़ा धनुर्धर भी था। ऐसे समय एक बार जब मैंने एक प्रतिस्पर्धा के लिए एक आयोजन किया गया, कृपाचार्य ने एक आयोजन किया जहां पर यह कहा गया कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर संसार में कोई नहीं है, तभी वहां पर किसी कोने में बैठा हुआ था, कहीं पर बैठा हुआ था कर्ण। कर्ण कहने लगा कि अरे ये, मैंने वो जब ललकारने लगे, कृपाचार्य जी कहने लगे कि इससे बड़ा धनुर्धर, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर संसार में कोई नहीं है, इसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, इसके इसके सामने कोई नहीं आ सकता, ये सबसे बड़ा धनुर्धर है, संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर है, ये जो कर सकता है वो काम कोई भी नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में कर्ण जहां वहां पे था, वो भी कुंती पुत्र था और ये भी कुंती पुत्र थे, तो ये देखा गया कि कर्ण किसी कोने से उठ खड़ा हुआ, उस वो कहने लगा अगर ये अर्जुन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अर्जुन करने से अर्जुन को जितनी शिक्षा प्राप्त है मुझे भी उतनी शिक्षा प्राप्त है, मैं उसका प्रतिद्वंदी हूँ। ऐसा कहने पर कितना अपमानित हुआ वो कर्ण। किस नाम से उसे पूछा गया, अरे ठीक है तुम कौन हो पहले बताओ, ये तो राजवंशी है अर्जुन, तुम किस वंश के हो बताओ, ये राजवंशी है, ये राजाओं राजकुमार है, ये तुम किस गोत्र के हो, कौन सा वंश है तुम्हारी, कौन सा मैंने किस जाति के हो, पहले ये बताओ करके विभिन्न विभिन्न कई सारी ऐसी बातों से उसे मर्माहित किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, व्यंग वचन कहे उससे। पर कर्ण बेचारा कहने लगा कि व्यक्ति की जो गुण है, व्यक्ति का जो मैंने उसकी जो पहचान है, उसके उसके गुणों से होती है, न कि उसके जाति, न कि उसके वंश, न कि उसके गोत्र से होती है। और मैं, मेरा वंश क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरे हाथ है, मेरे जो बाहुबल है उससे मैं परिचय दूंगा, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकूंगा। कई प्रकार से उसको प्रताड़ित करने के बाद भी बेचारा कहता चला गया, कहता चला गया, कहता चला गया, किंतु उसकी बातों को किसी ने नहीं माना। ऐसी अवस्था में, क्योंकि दुर्योधन वो कि मैंने कौरवों का साथी था, कौरवों का भाई था, वो इस अन्याय को सह न सका और उसको खड़ा हो गया। जब कृपाचार्य जी कहने लगे ठीक है अगर तुम्हारे पास न जाति है, न गोत्र है, न वंश है, न कुल है, कुछ भी नहीं है, तो ये तो बताओ तुम्हारा राज्य कौन सा है, तुम किस किस देश के राजा हो, किस राज्य के राजा हो, ये बता दो, ये बता दोगे तो भी तुम युद्ध कर सकोगे, पहले बताओ। उसके पास न राज्य था, न देश था, कुछ भी नहीं था, वो एक झोपड़ी में रहता था, और इस अन्याय को सह न सका दुर्योधन, और अपना मुकुट उतार करके उसके सिर पर पहना दिया और घोषित कर दिया, चलो मैं इसे अंगदेश का राजा बना दिया। इसीलिए तो वो उसका दोस्त हुआ ना,
उसका मित्र हुआ किसका? दुर्योधन। किसका मित्र बना? कर्ण का। और कर्ण से कहने लगा, रे कर्ण, अगर एक बार तू मुझे अपना मित्र स्वीकार कर ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। तो इसके आधार पर हमें ये शिक्षा मिली कि मनुष्य जो है उसका जो उसकी पहचान जो है उसका उसके गुणों से होती है, न कि उसके जाति, न कि उसके वंश, न कि उसके कुल से होती है। तो व्यक्ति महान तब बनता है जब उसके अंदर आंतरिक अच्छाई होती है, उसमें गुण होते हैं, उस गुण से व्यक्ति महान बनता है। तो इसमें उस समय जब उपन्यास इत्यादि लिखा जा रहा था, ऐसे में अगर निम्न वर्गीय व्यक्ति नीचे माने निम्न कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता था तो लोगों को पसंद नहीं आता था, लोग उस पर लांछन लगाते थे, नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता, हम बड़े आदमी हैं हम ही करेंगे। किंतु आजकल की व्यवस्था में देखा गया है आजकल सब कुछ समान होता चला जा रहा है और समानता की भाव को लेकर के हमें भी जीना है, हमें भी आगे बढ़ना है ताकि हमारा भारत देश उन्नत और समृद्ध बन सके। ठीक है, फिर हम वापस आ रहे हैं सब्जेक्ट पर, उसमें बताएंगे आपको। ये मानवतावाद है जिसमें समानता की समान माना जाएगा, कोई अमीर है गरीब है ऐसा किसी से किसी कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तो ऐसी भावनाओं को ऐसे उपन्यास उस समय लिखे गए जिसमें इन भावनाओं का माने उस पर प्रहार करने लगे, उस पर सुधार आने लगा, लोग जानने लगे नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करेंगे तो हम विनाश के गर्त में जाएंगे और ऐसा करेंगे तो हमारी जो समृद्धि हम पाएंगे, हमारा भारत देश समृद्धि की ओर जाएगा, हमारा परिवार जो है वो समृद्ध होगा करके धीरे धीरे लोगों में ये चेतना जागृत हुई। उपन्यासों को पढ़ करके उन्होंने उनके मन में नई भावनाएं जागृत हुई और इस प्रकार से हमारे भारतीय उपन्यास का भी विकास हुआ जिसे लोगों ने पढ़ा और उसका अनुसरण भी किया। फिर आएगा आगे उसके बाद औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है। भारत लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजी राजसत्ता का मकसद भारत की भौतिक और प्राकृतिक संपदा का दोहन करना था। वहां उनका दोहन करना क्या था, भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके पहले कैसे मैंने किस प्रकार से अंग्रेजी शासक अंग्रेजी लोग हमें सताते थे, अंग्रेज हम जो कुछ भी करते थे उनको पसंद नहीं आता था, हम कुछ कमाना चाहते थे, हम कुछ मिल फैक्ट्री इत्यादि कारखाना इत्यादि बनाना चाहते थे लेकिन वो लोगों को वो पसंद नहीं था। और प्राकृतिक संपदा का भी उन्होंने प्राकृतिक संपत्ति जो हमारे पास है उस संपदा का भी उन्होंने दोहन करना शुरू किया, उन पर भी उनको मतलब क्या कहना चाहिए उनको खराब करने के लिए है ना, उनको क्या कहने विनाश करने के लिए वो लगे हुए थे ताकि हम भारतवासी जो है आगे ना बढ़ सके। किंतु अंग्रेजी राजसत्ता के शोषणकारी और दमनकारी राज्य के विरुद्ध भारतीय जनता के विभिन्न समय 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 पर आंदोलन हुए, भारतीय भारत में भी आंदोलन हुए। भारतवासी जो थे उन्होंने भी कहा हम ऐसे अन्याय नहीं सहेंगे और उसके प्रति उन्होंने अपना आंदोलन चालू किया। जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्रामी है भारत देश के स्वतंत्रता संग्रामियों ने किस प्रकार से उस चीज को सहने के लिए वो तैयार नहीं थे और उस पर उन्होंने क्या किया विभिन्न आंदोलन किए, विभिन्न प्रकार से हम उस चीज को सहेंगे नहीं, हम उस चीज के लिए उसके विरोध में नारे लगाएंगे, उसके विरोध में कुछ ऐसा काम करेंगे ताकि जैसे भी हो। उसमें कई स्वतंत्रता संग्रामियों ने अपनी आहुति भी दे दी, कई स्वतंत्रता संग्रामियों की मृत्यु भी हुई, उन्होंने अपनी बलि भी दे दी हमारे भारत देश को स्वतंत्र करने के लिए है ना। तो धीरे धीरे अंग्रेजी जो अंग्रेजी सत्ता है वो हटने लगा और वहां पे भारतीय संस्कृति का उदय होने लगा। भारत के लोगों में भी आंदोलन करके और विभिन्न चीजों को उन्होंने जाना और जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार होने लगी और इस प्रकार से उपन्यासकार जो उस समय के जो व्यक्ति थे उस समय के जो साहित्यकार थे उन्होंने उसका माध्यम बनाया और उस चीजों पर भी उन्होंने अपना अपनी रचनाएं लिखी। उसके बाद राजनीतिक आर्थिक पराधीनता के बारे में लिखा है। इंग्लैंड के मिलों में तैयार कपड़ों की प्रतिस्पर्धा भावनाओं के भारत के हाथकरघों पर तैयार कपड़ों से थी। इंग्लैंड में मिल में तैयार होता था परंतु भारत में हाथकरघा इत्यादि होता हाथ करके से बुना जाता था वस्त्र। अपने माल को खपाने के लिए अंग्रेजों ने यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट किया, कारीगरों को बेरोजगार बनाया और अपने राजनीतिक और प्रशासनिक बल पर अपना माल गांव तक पहुंचाया। अब भारत तैयार माल का निर्माता ही नहीं बल्कि उस समय ऐसा करता था, हमारी चीजों को स्वीकार नहीं करता था और मिल इत्यादि वो तो पूंजीवाद था ना, वहां पे पूंजी अधिक थी ना, तो इस कारण वो वहां आकर के यहाँ बेच करके अपना पैसा कमाता था। किंतु जब भारत देश के जो हमारे भारतीय हैं उनमें चेतना जागी, उनमें ये भावना जागृत हो गई कि उनकी चीज को हम क्यों ले है ना, उनकी चीज को हम ग्रहण क्यों करें, हम क्यों नहीं ये ऐसे कारखाने हम क्यों नहीं खोल सकते, हम क्यों इसका उत्पाद नहीं कर सकते, ये भावना जागृत हुई और धीरे धीरे उन्होंने भी स्वयं हमारे भारत देश ने भी वो सभी कार्य किया। आज तो ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा भारत देश
विदेश में भी अपनी सामान को निर्यात कर रहा है। ऐसी स्थिति आ गई तो ऐसे उन्होंने कारीगरों कारीगरों और किसानों पर उस समय जुल्म ढाए। जो कारीगर बनाते थे उनको मारते पीटते भी थे, है ना, ये बनाओ वो बनाओ, और उनके काम को बंद कर दिया जाता था। किंतु आजकल के जीवन में देखा गया कि भारत के कई प्रसिद्ध उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में किसानों की दुर्दशा का चित्रण कर अंग्रेजों की आर्थिक नीति की आलोचना की। और ऐसे ही उपन्यास देखा गया प्रेमचंद जी का गोदान। गोदान में भी यही बातें बताई गई है, अर्थात कई साहित्यकारों ने इसको अपना विषय बनाया, विषय वस्तु बनाया, आधार बनाया, अपने कथा वस्तु का आधार बनाते हुए अपने उपन्यासों की रचना की। फिर आएंगे राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। कि आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार से भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। पूंजीवाद के आगमन के साथ साथ भारत का बुद्धिजीवी वर्ग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व से परिचित हुआ, है ना। स्वतंत्रता से और बंधुत्व की भावना से, समानता की भावना से सभी को समान समझने लगे। और इस प्रकार से हमारे स्वदेशी की भावना का उदय इसी स्वाभाविक पर जिसका मैंने इसी की इसी का क्या कहना चाहिए क्या हाँ स्वदेशी की भावना जागृत हुई हमारे भारत देश के हृदय में, भारतीयों के हृदय में। इसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को नई अभिव्यक्ति दी गई, नया आयाम मिला। और धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार काफी संकुचित था, किंतु धीरे धीरे उस पर निर्माण होने लगा, आगे बढ़ने लगे, संघर्ष करने लगे और हमारे देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। फिर स्वतंत्रोत्तर भारतीय उपन्यास, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपन्यास का बारे में बताया गया है। आजादी के बाद किस भावना से उपन्यासकार अपने उपन्यास की रचना किया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। इस दिन भारत को जनता की औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली और गांधी जी के नेतृत्व से दुनिया के मानचित्र का नया एक मानचित्र बन गया। दुनिया का भारत का एक नया मानचित्र बन गया। और भारत पाकिस्तान विभाजन, भारत को स्वतंत्र कराने के पहले अंग्रेजों ने हमें दो खंडों में विभाजित किया, भारत और पाकिस्तान के नाम से, और उसको मैंने एक जीवित आत्मा को फाड़ के रख दिया उसने। भारत अलग कर दिया और पाकिस्तान अलग कर दिया। स्त्रियों को तहस नहस करके अपमानित किया गया उस समय। और इन सभी चीजों का जो आजाद भारत में धीरे धीरे क्रमिक विकास होने लगा, ये सभी चीजें बंद होती चली गई। और नए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने जनता का जो सपने दिखाए, विकास और प्रगति का नव मंत्र फूंका। लहू लुहान जनता अपने दुखों को मूलभूत नव भारत के निर्माण से जुट गए। अर्थात ऐसी ऐसी भावनाएं आजाद होने के बाद भी था, किंतु धीरे धीरे सभी में चेतना जागृत हुई और हमारे सच्चे भारत सामने आया, जिसमें धर्मनिरपेक्ष की भावना थी, जिसमें सभी के साथ कल्याणकारी भावना थी, सभी के सब कल्याणकारी रूप से लोगों के साथ मिलने लगे, संप्रभुता संपन्न होने लगे और आगे चल करके अपने विकास करने लगे। और इन्हीं सभी गांव तो पिछड़े रहे, अशिक्षा विश्वास अकाल के अंधकार में डूबे रहे, गांव फलने फूलने लगे। धीरे धीरे गांव से शहर की ओर पलायन हुआ। गांव और शहर में पार्थक्यता देखते हैं आप लोग, गांव में और शहरों में बहुत अंतर होता है। लेकिन ये देखा गया है अधिकांश गांव में रहने वाले लोग और शहरों में, मेन रूप से ये जाना जाता है, मुख्य रूप से अभी भी देखा जाता है, आजकल के युग में भी देखा जाता है इस चीज को, कि गांव में जो आत्मीय भावना है शहरों में नहीं है। गांव में जो आत्मीय भावना है शहरों में, हम ये नहीं कह रहे हैं शहर में रहने वाले लोग खराब है, ये नहीं कह रहे हैं, किंतु आत्मीय भावना जो है वो गांव में अभी भी देखा जाता है। किसी के घर में सुख दुख है, कुछ हो रहा है तो लोग दौड़ पड़ते हैं, वहां चले जाते हैं। किंतु शहरों में इतना मैंने कार्य इत्यादि कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, हम अपने समय को देखते हैं, है ना, समय है कि नहीं है, उसके बाद हम वहां दौड़ेंगे। तो आत्मीय भावना जो है जो ग्रामीण परिवेश में देखा जाता है वो सांस्कृतिक परिवेश में प्रायः विलुप्त सा होता चला जा रहा है। आज तो एकाकी परिवार में लोग जीवन जी रहे हैं, है ना, गांव में या शहरों में भी संयुक्त परिवार था, सभी माता पिता, दादा दादी, बच्चे के दादा दादी, माता पिता सभी एक साथ रहते थे। तो लेकिन आजकल के जीवन में सब ये विश्रृंखलित होता चला जा रहा है। तो ऐसी अमानवीय मैंने कहना चाहिए नैतिक मूल्य जो है वो गिरते चले जा रहे हैं। तो ऐसा भारत में मैंने भारत में गांव में देखा गया है कि ये अशिक्षित भले ही रहे किंतु उसमें आत्मीय भावना निश्चित से जागृत रहती है, ये बताया गया है। शहर धीरे धीरे क्या करने लगे, लोग क्या है, गांव से शहर की ओर जाने लगे। कई ऐसे लोग थे जो सोचते थे नहीं, गांव में कुछ नहीं है और शहर में सब कुछ है। तो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, शहर में जाने लगे, वहां की झुग्गी फिर वहां रहने लगे। एक तरफ विशाल अट्टालिकाएं थी तो दूसरी ओर ललचाई निगाहों से देखती झुग्गियां भी थी। अर्थात वहां जाकर के वो लोग कुछ नहीं कर पाए, कुछ ऐसे वर्ग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग क्या काम करेंगे। तो वो लोगों का घर
और जो पढ़े लिखे सर्विस करने वाले का घर निश्चित रूप से अलग होगा, वो लोगों को सर्वगुणेन संपन्न सब पूरे पूरी सुविधाएं जो बड़े लोग हैं उनको उनके पास रहती हैं, किंतु जो निम्न वर्गीय जो छोटे लोग हैं वो लोगों का वहां पे झुग्गी झोपड़ी आज भी गांव में माने आज भी शहरों में विद्यमान है करके बताया गया है। और इनके बीच भी एक वर्ग पैदा हो गया जो न झुग्गियों में रह सका न झोपड़ियों में अट्टालिकाओं में रह सका, उसकी औकात यही थी। यही मध्य वर्ग साहित्य भी यही मध्य वर्ग साहित्य भी लिखता रहा और अपनी और अपने समाज की पीड़ा को अभिव्यक्त करता रहा। गांव से शहर आया वह व्यक्ति शहर की भीड़ भाड़ में भी अपने को अकेला पाता है। सही बात है, ये मैंने बताया ना कि अपने आप को शहर में रहने पर भी वह व्यक्ति शहरी व्यक्ति क्या होता है, अकेला हो जाता है, किंतु उसके सगे संबंधी रहते हैं वहां पे, पर उतना उनसे आना जाना नहीं रहता जितना कि गाँव में रहता है। तो इस संस्कृति को भी हमारे साहित्यकारों ने अपना विषय वस्तु बनाया है। और स्त्री पुरुष संबंधों में भी बदलाव आया है ना, स्त्री पुरुष संबंधों में कैसे बदलाव आया, पहले पहले क्या होता था कि जो कुछ भी हो जैसे भी हो, आज भी आज के युग में भी देखा जा रहा है कि स्त्री और पुरुष ना पति पत्नी है ना, मैं लड़की का विवाह हुआ तो पति पत्नी हुए, तो पति पत्नी होने पर पति क्या करेगा, आएगा कोई मैंने मैंने मैं बता रही हूँ एक बात को, मैंने उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ, पति अगर शराबी है, काम करके आता है पैसे लाता है और पैसे से शराब पी जाता है, तो ऐसे में है ना, ऐसी अवस्था में पहले क्या था, शराब पिए या कुछ भी करे कुछ भी काम वो कर सकता था क्योंकि वो पुरुष था, क्योंकि वो पुरुष था। और स्त्री कुछ भी माने स्त्री को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था ना उस समय, शिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। और तो ऐसे में लेकिन क्या करती थी उस समय स्त्री, उसकी वेदनाओं को उसके मैंने वो जो उसको प्रताड़ित करता था उसको मारता पीटता था तो उस सबको सह जाती थी स्त्री। किंतु आज के युग में बहुत कम, आज के युग में बहुत कम कहा जाएगा आपको, 10% या 5% लोग ऐसे होंगे जो कि पति की वेदना को, पति की उस कहना चाहिए जो मारना पीटना जो है पति का, वो सहती है। किंतु आज के युग में बहुत कम है, उतना सहता नहीं है, बहुत कम है। आज की स्त्री क्या कहती है, शराब पी के आएगा वो, जुआ खेल के आएगा, तो उससे लड़ने के लिए भी आज की स्त्री तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी शिक्षित होने के कारण या अशिक्षित भी क्यों ना हो उसके उसमें ऐसे भाव जागृत हो चुके हैं कि वो उसका मुकाबला कर सकती है। आज पति परमेश्वर नहीं है ना, पर परमेश्वर मानते हैं, पति परमेश्वर है सभी मानते हैं, किंतु अगर ऐसा पति जो कि पैसे कमा कर लाए बच्चों के खाने के लिए भी ना दे और वो सभी चीजों को व्यर्थ ऐसे ही गंवा दे, उस पर शराब पिए जुआ खेले इत्यादि करे, तो उसका भी सामना करने के लिए आज की स्त्री संपूर्ण रूप से तैयार है उसका मुकाबला करने के लिए। जा तू अगर मुझे मारेगा तो मैं भी तुझे मारूंगी, है ना, ऐसी बातें होती है कि नहीं, सुनने में आता है कि नहीं, कि तुम ऐसा मैंने कोई देखता भी है सामने वाला, आजकल कोई देखा होगा भी, देखेगा भी सामने वाला आस पड़ोस का व्यक्ति भी कोई देखेगा तो कहेगा ठीक कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, और उसका सहयोगी बनेगा, उस स्त्री का सहयोगी बनेगा, क्योंकि वो पुरुष जो है वो मनमाना करता था, वो अत्याचार उसको माने उसको अत्याचार करता था, उसके ऊपर अत्याचार करता था, उसको मारता पीटता था, वो सुनते आ रहे थे आजू बाजू के लोग, लेकिन आजू बाजू के लोग जब निकलते हैं और स्त्री जब ये इस वेश में आ जाती है, स्त्री जब उसको माने उसका मुकाबला करने के लिए सामने में आ जाती है तो वो भी अच्छा माने उसको भी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। तो उस समय था, पहले के जमाने में ऐसे साहित्यकार हुए, पहले के जमाने में ऐसे मैंने ऐसी बातें थी, ऐसी मान्यताएं थी, जिसको मानते थे, जिसको मानने के लिए विवश थी स्त्रियां भी, लेकिन आजकल के जमाने में ये सब नहीं है। आजकल की स्त्री पुरुषों से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही है और जो उसको ऐसा अन्याय करे ऐसा अत्याचार करे तो उसका मुकाबला करने के लिए भी आज की स्त्री के शरीर में वो गुण विद्यमान है जिससे वो उसका सामना कर सके। तो हाँ, भारतीय उपन्यास में आजादी मिलने के साथ साथ भारतवासियों को विभाजन का देश और पीड़ा सहनी पड़ी, लोग बेघर पार हो गए, लोग का लाखों लोग सीमा पार करके आए और भगाए गए, जिस पर यह गुजरी उसने वह पीड़ा जानी। उपन्यासकारों ने इस दर्द को महसूस किया और उसके बाद उस चीज को उन्होंने अपने अपने उपन्यास का विषय वस्तु बनाया और उस पर चित्रण किया। भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, जैसे कि यशपाल जी ने उपन्यास लिखे हैं और बहुत सारे ऐसे उपन्यास लिखे हैं जिसमें कि इन बातों को बताया गया है। उन्होंने युग को पहचान लिया है, युग में क्या होने जा रहा है, क्या हुआ था, उस चीज को भूल करके आज व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है चाहे वो स्त्री ही क्यों ना हो। उसके बाद देश विभाजन की और सांप्रदायिक समस्याएं आई,
मैंने 1947 में भारत को गुलामी से मुक्ति मिली, पर उसकी कीमत बंटवारे और सांप्रदायिकता हिंसा के रूप में चुकानी पड़ी। ऐसे ही कई प्रकार के उपन्यास लिखे गए, कई लोग क्या हुए भारत से बाहर चले गए, पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए और भारत वाले हिस्से में आ गए। ऐसे मैंने होने लगा ऐसा, विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान में दंगे फैल गए और हजारों लोगों को निर्वासित की त्रासदी झेलनी पड़ी। सही बात है, निर्वासन जिसमें कि एक शरणदाता कहानी है। इस कहानी को जैसे उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति थे, एक पात्र थे, वो कि क्या थे वो, एक कहना चाहिए देवेंद्र लाल कहने से, एक मुस्लिम एक हिंदू हिंदू व्यक्ति थे और उनका मित्र था रफीकुद्दीन करके, वो मुस्लिम था और उस समय देश विभाजन की समस्या आई थी। जिस समय ये शरणदाता कहानी लिखा गया था उसमें देश विभाजन की समस्या आई थी, तो उस समय क्या किया, जब सब दंगे फसाद हो रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनको घर से निकाला जा रहा था, ऐसी अवस्था में उन्होंने प्रश्रय दिया अपने मित्र को रफीकुद्दीन को, उन्होंने अपने घर में रखा और किस प्रकार से उन्होंने आश्रय दिया उस शरणदाता कहानी में दिखाई देता है। तो देश विभाजन के समय कई लोग ऐसे दंगे फसाद में कई लोग मारे गए, उनका घर बार जला दिया गया, उनको वहां से निकाल दिया गया, तो वहां जाकर के बाहर में जाकर के वो लोग रहने लगे। तो ऐसी भी अवस्थाएं हुई भारत देश में, तो उनको भी विषय वस्तु बनाया हमारे साहित्यकारों ने अपने विषय में, उन्होंने अपने कहना चाहिए उपन्यासों में उसको जगह दी, उसको कथा वस्तु बनाया, उसको स्टोरी बनाया, उसको कथानक बनाया और उसके ऊपर उन्होंने अपनी कहानियां अपने उपन्यास लिखे। फिर ग्रामीण जीवन का यथार्थ मैंने अभी भी बताया, इसके पहले थोड़ा थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ग्रामीण जीवन का सभी भारतीय भाषाओं में रचित उपन्यासों में ठेठ भारतीय विरासत और संस्कृति को उद्भाषित किया गया है। चाहे भारत देश के किसी भी प्रांत में किसी भी राज्य में कोई रहे, दूसरे राज्य का दूसरे संस्कृति को अपनाने वाला, सॉरी दूसरी भाषा को अपनाने वाला, दूसरे जाति को अपनाने वाला, दूसरे धर्म वाला, उन्होंने क्या क्या किया अपने जो ग्रामीण परिवेश में जो रहने लगे, सभी अपने जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने अपने भाषाओं में अपने साहित्य में अपने उपन्यास में ग्रामीण संस्कृति को जगह दिया और वहां से आंचलिक कहे जाने वाले उपन्यास भी उसमें आए। आंचलिक अर्थात मैंने बार बार बताया, फिर से एक बार बता रही हूँ, उस अंचल विशेष के रीति रिवाज, उस अंचल विशेष के खान पान, उस अंचल विशेष के रहन सहन, धर्म नीति इत्यादि को वो अपना विषय वस्तु बनाते हुए अपने उपन्यासों की रचना की। तो इस प्रकार से ग्रामीण जीवन का यथार्थ रूप उसमें दिखाई दिया, किस प्रकार से गांव में गांव का आजादी के बाद गांव का विकास उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी तेजी से शहर विकसित हुए, किंतु इस चीज को भी देखा, इस चीज को भी लिखा लिखा उपन्यासकारों ने, किंतु उसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया। कहीं पे गांव में देखा जाता है कोई पेड़ इत्यादि है, नदी नाले हैं, झरने हैं, वो सभी का वर्णन स्वतंत्र रूप से वहाँ का व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है और स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं लिख सकता है। तो विभिन्न प्रकार के भावों से व्यक्त होकर के ग्रामीण परिदृश्य के भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति यथार्थता के साथ वहाँ के जन जीवन को अपने उपन्यास में जगह देता है और अपने उपन्यासों की रचना करता है। फिर उसी प्रकार से कई प्रकार के भाषा भाषी के लोग आए, कई प्रकार के भाषा को जानने वाले लोग, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि जैसे भारतीय आपके उपन्यास में दिया गया है, किस प्रकार से कन्नड़ साहित्यकार, किस प्रकार से मलयालम साहित्यकार अपने साहित्यों की रचना उन्होंने की, अपनी भाषा में की, अपनी संस्कृति को लेकर के, अपने रीति रिवाज को, अपने रहन सहन को, अपने वातावरण को, सभी को उन्होंने अपने उपन्यास में स्थान दिया और अपने उपन्यासों की रचना की। वहाँ के पात्रों का नाम भी उसी प्रकार, जिस प्रकार से वहाँ के लोग रहते थे उनकी भाषा जैसी थी, उनके पात्रों के नाम भी उसी प्रकार थे। जैसे जो कि हमारे ग्रामीण हमारे भारतीय संस्कृति में जो हम हिंदी भाषा कहते हैं तो हम अपने पात्रों का नाम हिंदी में लिखेंगे, किंतु वो अपने पात्रों का नाम अपनी भाषा में लिखा, किंतु जो कुछ भी लिखा सभी के हृदय में समान भाव जागृत होते हैं। कोई मैंने बार बार बताया, उस समय भी बताया, पूर्व प्रवृत्ति वाला निर्दयी व्यक्ति निर्दयी पूर्ण उपन्यास लिखेगा जिसमें दया की कहीं भी भावना नहीं रहेगी, किंतु एक दयालु व्यक्ति एक संवेदनशील व्यक्ति जैसा उपन्यास लिखेगा उसके उपन्यास में वो भाव निश्चित रूप से परिलक्षित होंगे। तो विभिन्न हमारे भारत देश में जितने भी बाहर से जितने भी भाषा भाषी लोग हैं उन्होंने अपनी भाषाओं में लिखा और उसको हम ट्रांसलेट करने पर हम देखते हैं कि हमारे भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों में, भारतीय साहित्यकारों में जो भावना है वही भावनाएं उनके विचार में भी है, उनके हृदय में भी विद्यमान है। वो भले भाषा उनके जो अपने भाषा शैली है अपनी भाषा में भले ही लिखा हो लेकिन भाव
एक ही होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे उनके ही भाव होते हैं। तो ये सभी चीजें नागरीय सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति, ये सब को लेकर के उपन्यासों की रचना की जाती है। राजनीति उपन्यास में राजनीतिक, राजनीतिक उपन्यास में राजनीति का, राजनीति के बारे में बताया जाता है। सामाजिक उपन्यास में समाज के बारे में, ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास के बारे में। सभी साहित्यकार सभी जमाने में है, सभी क्षेत्र में है, देश में है, विदेश में है, सभी अपने रचना करते हैं। उपन्यास के तत्व भी समान है, उसी तत्व सभी के उपन्यास में है। सभी चाहे वो तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, सभी के उपन्यास में पात्र होंगे, सभी के उपन्यास में एक स्टोरी होगी, सभी के उपन्यास में संवादों की रचना, संवाद बोले जाएंगे, संवाद पात्रों के द्वारा बोले जाएंगे जो कि कथा को आगे बढ़ाएंगे। सभी की भाषा शैली होगी, सभी के देश की एक वातावरण होगा, प्रांत का एक वातावरण होगा, किस प्रांत का वातावरण कैसा था, किस परिवेश में लेखक लिख रहा है, जिस परिवेश में लेखक लिखता है उसके साहित्य में उसका निश्चित रूप से प्रभाव दिखा जाता है। जैसे भी हो, जिस साहित्य में, जिस परिवेश में व्यक्ति जीता है, जो साहित्यकार जीता है, जो लिखने वाला साहित्यकार जीता है, जो व्यक्ति लिखता है, जिस परिवेश में जीता है, उस परिवेश का अंकन उसके साहित्य में निश्चित रूप से देखा जाता है, जो कि सभी के लिए समान है। सभी युग के, हर युग को देखता हुआ, हर परिवेश को देखता हुआ व्यक्ति अपने विषय वस्तु बनाता है, साहित्यकार अपने विषय वस्तु बनाता है और उसी को अपने उपन्यास में जगह देता है, अपने नाटक में जगह देता है, अपने कहना चाहिए कहानी में जगह देता है। और हमको उसको पढ़ करके हमें नई चेतना जागृत होती है हमारे में, नई भावनाएं जागृत होती है हमारे मन में, हम उस चीज को जानते हैं कि क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। और उसमें फिर नई चेतना जागृत होने से हमारे मन में भी, नवीन चेतना जागृत होने से हमारा मन भी ठीक रहेगा और हम भी वैसा ही व्यवहार लोगों के साथ करेंगे जैसा पढ़ेंगे। अच्छाई को ग्रहण करते हुए, उसकी बुराई को नहीं, अच्छाई को ग्रहण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा समाज भी उन्नत होगा, हमारा परिवार उन्नत होगा, हमारा देश उन्नत होगा और फिर हमारा राष्ट्र भी उन्नत होगा। इसी के साथ आपका ये इकाई यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया लगा कि अच्छा लगा कि अच्छा लगा कि मैम बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो उन्हीं चीजें खो गए थे। बहुत अच्छी बात है, देखो मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आप लोग इतना कह पा रहे हैं कि मैडम पढ़ा रही है। ये मेरे लिए सही गुरु दक्षिणा है, मालूम है, सही गुरु दक्षिणा है मेरे लिए। आप लोग बताते हैं ना, थैंक यू मैम। हाँ तो आप लोगों ने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और खैर एक क्लास और है आपका, फिर कल, मैंने फिर कल से फिर मुलाकात होगी, कल वही 2 बजे की क्लास में। तब तक के जितना भी मैंने बताया उसको, हाँ एक मैंने इससे हट के क्वेश्चन था मैम, आज तक हम लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो बचपन से रट के आए हैं कि ये स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग है, ठीक है, लेकिन उसको जानने का तरीका क्या है मैम? जैसे मूछ, मूछ तो पुरुष के होते पर वो स्त्रीलिंग कैसे होते हैं? हाँ ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे फिर। हाँ जी मैम, इसको बढ़िया जानते कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हम कैसे पहचाने। हाँ 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 मैं बताऊंगी बताऊंगी, ठीक है, ओके ठीक है मैम। प्रणाम मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम।